Hello everyone, good evening. I'm Shail and I'm your educator on CSI NET Life Science category. And I welcome you all to today's lecture. Today we will talk about topology of DNA and we will try to cover the whole topic today. And today is our lecture 11 on DNA structure and I think it is the last lecture today on DNA structure. And from tomorrow onwards, we will start practicing as well as revising and clearing our doubts. Before that, please tell me, please tell me whether I am visible and audible or not. Yes, good evening, Prinsu. Good evening, Nilanjana. Thank you for waiting. Thank you. Okay, so aaj hamara lecture last hai is topic pe, DNA structure ke upar, theek hai? कल से हम लोग कल जो शाम की क्लास होगी उसमें होगा रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग. तो वो आपका काम है कि आप लोग पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लें इस चैप्टर को ताकि एक तरह से हो जाए कि मेरे साथ ही थैंक यू प्रिंसु मेरे साथ ही आप लोग प्रिपेयर कर लें ताकि आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ना पड़े. जैसे हमने इतने दिनों से पढ़ रहे हैं ये टॉपिक को, तो कल शाम को 7 o'clock पे आपका रिविजन होगा और डाउट क्लियरिंग होगा. तो सबसे पहले तो डाउट्स निकाल के रख लें और उसके बाद रिवीजन होगा. तो ये हमारा कल मैराथन सेशन की तरह होगा, थोड़ा लंबा क्लास होगा ताकि आप सबके सारे डाउट्स और सारे जो भी प्रॉब्लम्स है क्लियर हो जाए. उससे पहले मैं आप अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. ये जो चैनल है अनअकैडमी CSI NET, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे और बाकी एडुकेटर्स के सारे नोटिफिकेशंस क्लास के और सारे वीडियोस देख सकें जो भी लाइव आते हैं, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. आप अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. और दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस में आप इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं, देन आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगे, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे सारे सिलेबस का. और आप लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस कर सकते हैं, लाइव सारे टेस्ट दे सकते हैं, आपको आपका मार्क एट द एंड बताया जाएगा. आइकॉनिक में इनके अलावा आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपको 24/7 हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा. देर विल बी पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस, देन आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा और बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिल सकते हैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने से. बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अभी एक एक्सेल बैच स्टार्ट हो रहा है वैसे ही बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे टॉप एडुकेटर्स हैं, आप इनमें इनसे पढ़ सकते हैं, ये सब के लेक्चर्स आप सुन सकते हैं अगर आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद लेंगे तो. और बहुत सारी चीज़ें नई नई आती रहती हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उनके बारे में पता चलता रहेगा. ये मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस के लिए है, ये मैथमेटिक्स के लिए है, ये मैथमेटिक्स में के लिए भी वहाँ पर प्रिपरेशन होते हैं. आपको करना क्या है, तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज करनी है और वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ये वाला बटन प्रेस करना है. और ये सारे चार्जेस है मंथली, 3 1 मंथ खरीद सकते हैं आप, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ. और एक 24 मंथ का ऑप्शन तो चल रहा था. मैम आज आप ऐप पर क्लास नहीं हुए? नहीं बेटा, आज ऐप पर नहीं हुआ, ऐप पर हर दिन नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा. आप ये ऐप डाउनलोड करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. आज तो नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, कल और परसों YT फेस्टिवल है, YouTube फेस्टिवल, तो स्पेशल क्लासेस होंगे मेरे 30 मिनट्स के, आपको 30 मिनट्स में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा. तो कल मैं 3 बजे क्लास लूँगी, एक 5 बजे क्लास लूँगी, एक 7 बजे. सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग आएंगे 7 बजे, मैं रिविजन जो हमारा नॉर्मल चलता है रिविजन एंड डाउट क्लियरिंग चलेगा हमारा इस टॉपिक पे ही, ठीक है. 3 बजे और 5 बजे में हमारा चल, एक 3 बजे शायद मैं साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ाऊंगी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ही इससे सेल जंक्शन जुड़ा है और इससे बहुत कुछ जुड़ा है. साइटोस्केलेटन कह सकते हैं ABCD है, जिस तरह से DNA स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उसी तरह से साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट है. इसका बेसिक दूंगी 30 मिनट्स में, मैं जितना कवर कर पाई 3 बजे. 5 बजे फिर हम सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाए और उसका पैटर्न क्या है, ये हम 5 बजे डिस्कस करेंगे 30 मिनट्स के क्लास में. और 7 बजे हमारी नॉर्मल क्लास चलेगी. तो मेरी फ्राइडे का शेड्यूल है,
फ्राइडे का शेड्यूल है 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे। 7 बजे के लिए आपको स्पेशली प्रिपेयर होना है क्योंकि हमको उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट ये सब करना है। तो रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग, इसके लिए आपको डाउट्स लेके आने हैं और रिवीजन करवाना है मुझसे। 5 बजे आपका सेक्शन ए के बारे में डिस्कशन होगा, 3 बजे होगा साइटोस्केलेटन, एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक क्योंकि फेस्टिवल में कुछ अलग सा ही करना होता है। फिर सैटरडे को हम एक मोटिवेशनल टॉक करेंगे जहाँ पे आप अपने करियर को लेके कैसे कॉन्फिडेंट फील करें, अपने चॉइस को लेके कैसे कॉन्फिडेंट फील करें वो बताया जाएगा। प्लस शाम को 7 बजे वही प्रीवियस, शाम को 7 बजे नहीं उस दिन, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा टाइम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट्स, ये वाले फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सेशन फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाली और ये वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये दोनों सेशन के लिए आप रेडी रहिए। तो सैटरडे को मेरी 3 क्लास होगी, सॉरी फ्राइडे को 3 क्लास, सैटरडे को 2 क्लास। सो लेट्स गेट प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने शुगर के बारे में पढ़ा, फॉस्फेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजनियस बेसिस के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किए, ट्रिक्स सीखे, देन हाइड्रोजन बॉन्ड की कैसे फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे सारे बेसिस के बीच में बनता है, देन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है और कैसे बनता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे, यहाँ पे भी सीखे, फिर यहाँ पे हमने एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, 5' to 3' क्या होता है, 3' से 5' क्या होता है। मैम आप पहले रिवीजन करवाना, हाँ बेटा कल शाम को रिवीजन होगा 5-7 बजे शाम को, वो आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे लाइव चैट में, जो मुझे बोलेंगे मैं वो उसे वापस से पढ़ा दूंगी, पूरे स्लाइड्स में लेके आऊँगी, सारे आज तक मैंने जो भी क्लासेस लिए हैं सारे स्लाइड्स एक ही जगह पे हैं, आप मुझे डाउट पूछेंगे मैं वो स्लाइड निकाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो पहले रिवीजन होगा एंड डाउट क्लियरिंग होगा, उसके बाद होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2015 से मैं ट्राई करूंगी 2020 तक लाने के लिए इस टॉपिक के रिलेटेड, एंड मॉक टेस्ट और क्विज होने की कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे इस तरह से अलग, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे सैम्पल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये परसों होगा सैटरडे को। पहले रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग, तो ये आपका काम है कि रिवीजन और डाउट क्लियरिंग के लिए प्रिपेयर करके आओ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डबल हेलिक्स कैसे स्टेबिलाइज होता है, स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा शुगर पकरिंग क्या है, टॉटोमेरिज्म क्या है, माइनर बेसिस कौन कौन से हैं डीएनए और आरएनए में मेजर के अलावा, देन हमने देखा लेफ्ट हैंडेड डीएनए और राइट हैंडेड डीएनए में क्या डिफरेंस है, बेस फ्लिपिंग क्या है, पीरियोडिसिटी, पिच, डायमीटर, फिर मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप क्या है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, देन हमने देखा ये सब मेजर ग्रुप माइनर बॉन्ड्स के बारे में बीच बीच में हम पढ़ते रहते हैं, तो वॉटसन क्रिक मॉडल क्या है, चारगाफ का क्या कंक्लूजन था जिसकी वजह से वॉटसन क्रिक मॉडल बन पाया, देन ए बी एंड जेड, इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए परसों बहुत सारे क्योंकि इसी पे ही ज़्यादा हमारे CSI नेट में क्वेश्चन आते हैं। ए बी जेड डीएनए क्या है उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा, फिर हमने प्रोपेलर ट्विस्ट पढ़ा, देन सिन एंड एंटी कन्फर्मेशन पढ़ा ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का, देन हमने नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखे, उसके बहुत सारे टाइप्स देखे, डीएमिनेशन, डीप्यूरिनेशन, देन आरएनए को इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्केली क्या रिएक्शन होता है, फिर हमने देखा डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, फिर हमने ये कर्व देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है एक, फिर हमने देखा यूवी रेस की वजह से क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर हमने देखा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं यानी नाइट्रस एसिड और अल्कालेटिंग एजेंट्स की वजह से क्या होता है, फिर हमने स्टार्ट किया था कल टोपोलॉजी ऑफ डीएनए। टोपोलॉजी ऑफ डीएनए में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए कैसे अरेंज होता है एक सेल में, उसको कहते हैं टोपोलॉजी, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड यूज किया, एक टर्म है जिसको बोलते हैं लिंकिंग नंबर, और जो लिंकिंग नंबर होता है डेट इज द सम ऑफ ट्विस्ट एंड रीथ, यही देखा था हमने। ट्विस्ट क्या होता है, तो ट्विस्ट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्ट्रैंड क्रॉसेस अनदर, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को कितने बार क्रॉस किया उसको बोलते हैं रीथ ट्विस्ट। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, तो ये अगर इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो इस पॉइंट पे ब्लू वाला लाइन ऊपर है, इस पॉइंट पे लाइट ब्लू लाइन ऊपर है, इस पॉइंट पे डार्क ब्लू लाइन ऊपर था, इस पॉइंट पे फिर डार्क ब्लू लाइन ऊपर है,
तो दिस इज वन ट्विस्ट. अगर मैंने डार्क ब्लू लाइन ऊपर चूज किया सिलेक्शन का, तो उससे उस पॉइंट से लेके नेक्स्ट जहाँ पे भी डार्क ब्लू लाइन ऊपर होगा उसको ट्विस्ट कहा जाएगा. मतलब एक बार डीएनए दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर आया, जहाँ पर दो बार ऊपर आया या जहाँ पर दो बार नीचे आया उसे कहा जाएगा ट्विस्ट. यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे ब्लू लाइट ब्लू लाइन ऊपर है, यहाँ पे डार्क ब्लू लाइन ऊपर है, यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन ऊपर है, तो ये हो गया हमारा एक ट्विस्ट. इस तरह से ट्विस्ट काउंट करते, या आप ऐसा बोल सकते हो ये हमारा एक ट्विस्ट है. 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज वन ट्विस्ट. ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हो 8 के सिंबल में. तो ये एक ट्विस्ट हुआ. अब रीथ क्या है? तो रीथ जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अपने आप के ऊपर कितनी बार क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे और यहाँ पे रीथ 4 है. लेकिन इस रीथ का भी सिंबल होता है माइनस और प्लस. माइनस रीथ कब होता है? जब इस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, और प्लस रीथ जब होता है इस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है. यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये ऊपर आने के लिए इस डायरेक्शन में टर्न किया है. देखिए यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में टर्न किया है. सो दिस इज अवर प्लस रीथ. प्लस तो यहाँ पे 4 रीथ है, तो ये 4 है रीथ. ठीक है, तो हमने देखा था कल कि लिंकिंग नंबर एल के इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रीथ. ट्विस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा, रीथ को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा, और देखा कि रीथ दो तरह से होते हैं, एक प्लस एक माइनस. बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्विस्ट कम हुए हैं क्योंकि इतने दूर में अनवाइंड किया गया है डीएनए को. अनवाइंड क्यों किया गया है? ताकि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स जा सके एंड यहाँ पे कुछ एंजाइम जा सके और ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कर सके. रेशी, यस, हेलो मैम, आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट. थैंक यू. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्विस्ट को थोड़ा कम किया गया है क्योंकि अगर ये हमारा दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे में उलझन रहेगा, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा खोलना ज़रूरी है ना, तभी कुछ एंजाइम्स इसके अंदर घुसेंगे. देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने समझ लीजिए खोल दिया, यहाँ पे खुल गया. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्विस्ट को हटा दिया कुछ दूर में ताकि एंजाइम्स यहाँ पे काम कर सके. देखिए ये ना, यहाँ पे रेप्लिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा अपर स्ट्रैंड के लिए. वैसे यहाँ पर हम कुछ ही दिन में, नेक्स्ट वीक से रेप्लिकेशन भी स्टार्ट करेंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग है, और अच्छा लगेगा पढ़ने में. तो ये जो खोल दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्विस्ट कम हो गया. तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी डीएनए के साथ में रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, या उसे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, तो नंबर ऑफ ट्विस्ट जो है उसे कम किया जाता है, थोड़ा सा उस एरिया को खोला जाता है. यही खोलने के चक्कर में क्या होता है, प्रॉब्लम्स डेवलप करती है. अब समझ लीजिए, ये बहुत लंबा है, यहाँ पे तो डीएनए बहुत लंबा है और ये दोनों उलझे हुए एक दूसरे से. मैंने यहाँ पे खोला, अब ये खोलना इस तरफ से भी कंटिन्यू कर रहा है, इस तरफ से भी. तो ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ पे ट्विस्ट कम होंगे, यहाँ से ट्विस्ट हटाए जाएंगे, लेकिन ये नीचे का क्या होगा. मैं इसको डिलीट कर देती हूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा. अच्छा, आप एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं. अच्छा ठीक है, मैं भी जूलॉजी ही पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जूलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ा रही हूँ. मैं भी एमएससी जूलॉजी हूँ. ओके, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से इतने दूर में खोला गया है ना, फिर यहाँ से ये खोलना स्टार्ट कंटिन्यू करेगा. इससे रिजल्ट क्या आएगा कि ये पूरा ये लंबा होते जाएगा, ये बबल जो है इसको बबल कहते हैं, ये लंबा होते जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा है ना, फिर इस तरह से ये लंबा होते जाएगा ये बबल. ये हम देखेंगे रेप्लिकेशन में ज़रूरी कैसे है. अब सोचिए, ये रेप्लिकेशन बबल तो लंबा होते जा रहा है, लेकिन यहाँ की हालत क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, उलझन बढ़ते जाएगा. क्यों? ये जो है वो इन एरियाज में क्या होगा, जो ट्विस्ट होंगे इन एरियाज में नंबर ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज करते जाएगा. ट्विस्ट तो पहचानना आपको आ गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज करते जाएगा. क्यों? क्योंकि ऐसे खींच रहे हैं, हमने कल देखा था खींचने से क्या होता है. यहाँ पे नंबर ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज कर रहे हैं और उनका लेंथ भी छोटा होते जा रहा है. ये अगर एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्विस्ट है, ठीक है. अब इसको खींच रहे हैं खोलने के लिए, तो ये छोटा होते जाएगा, इसका लेंथ छोटा हो जाएगा.
लेकिन नंबर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज कर रहा है, उनकी लेंथ कम हो रही है, और यहाँ पे तो ट्विस्ट गायब ही करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है ताकि ये खुले, ये सब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्विस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी नंबर ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज कर रहा है और लेंथ डिक्रीज कर रहा है। अब क्या हो रहा है, लिंकिंग नंबर बदल रहा है। अब लिंकिंग नंबर बदल रहा है इस वजह से क्या होगा, यस थैंक यू रिशु। अब इस वजह से लिंकिंग नंबर तो बदल रहा है, क्योंकि पहले लिंकिंग नंबर क्या था, लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रीथ। अब ट्विस्ट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप कर गई, तो ऑफ कोर्स लिंकिंग नंबर बदलेगा। लिंकिंग नंबर बदलेगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स डेवलप करना स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि इस एरिया में रीथ डेवलप कर जाए, ऐसा हो सकता है कि उलझते उलझते कभी अपने ऊपर ही ऐसे उलझ जाए, ऐसा हो जाए कभी। ऐसा था पहले, लेकिन अब ये ऐसा हो जाए, यहाँ पे डबल हेलिक्स है, मतलब कैसे बोलूँ आप लोगों, ये इस तरह का हो जाए, हाँ इस तरह का रीथ भी डेवलप कर सकता है इस एरिया में। अब ये जब रीथ डेवलप कर रहा है इन सब की वजह से, इसको कहा जाएगा सुपर हेलिकल, सुपर हेलिक्स। रीथ डेवलप कर गया ना, एक्चुअली में सुपर हेलिक्स या सुपर हेलिकल टर्न या सुपर हेलिकल मतलब सुपर हेलिसिटी अगर बोल दें, तो सुपर हेलिसिटी और रीथ दोनों में कन्फ्यूजन लगता है बहुत बार, और आप जहाँ पे भी सर्च करेंगे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए ये याद रखेंगे रीथ और सुपर हेलिक्स एक ही नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि जब ट्विस्ट या खोला खोली के खोलने की वजह से, खोलने के चक्कर में ट्विस्ट के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम डेवलप किया, अब उसके वजह से रीथ डेवलप कर गया, तब वो जो टोटल ओवरऑल जो आप डीएनए का स्टेट है उसको बोलेंगे सुपर हेलिक्स। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे, इसे यहाँ पे खोलना शुरू किया तो यहाँ पे रीथ ट्विस्ट का नेचर बदल गया, यहाँ पे भी बदल गया, तो दोनों जगह पे ट्विस्ट का नेचर बदल गया। हो सकता है यहाँ पर ऐसे ऐसे हमको रीथ मिलने लग जाए, तो अब यहाँ पे इस डीएनए को बोलेंगे कि अब ये डीएनए सुपर हेलिक्स में कन्वर्ट हो गया है, अब ये नॉर्मल नहीं रहा, अब इसमें सब बदल गया है, तब हम सुपर हेलिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सुपर हेलिक्स डेवलप कर जाएगा, हो भी सकता है। अब ये सुपर हेलिक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, उलझन ज़्यादा होगी। नेगेटिव सुपर हेलिकल, नेगेटिव सुपर हेलिक्स तब बोलते हैं, मैं चेंज करती हूँ यहाँ पे, देखिए खाली स्पेस है, नेगेटिव सुपर हेलिक्स तब बोलते हैं, कल मैंने समझाया था, नेगेटिव सुपर हेलिक्स तब बोलते हैं जब ट्विस्ट कम हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्विस्ट है, जब मैंने एक डायग्राम बनाया था वो वाला ही देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज कर गया है लेकिन लेंथ कम हो गई है। मैं कल की इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको सुपर हेलिक्स और रीथ में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। मैं भी जब पहली बार पढ़ी थी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आया था कि सुपर हेलिक्स फिर अब नया चीज़ क्या आ गया। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कम हो गए हैं लेकिन लेंथ बढ़ गई है, यहाँ पे लेंथ कम हो गया है, ट्विस्ट बढ़ गया है ना। अब इसकी वजह से देखिए यहाँ पे एक सुपर हेलिक्स आ गया, यहाँ पे एक सुपर हेलिक्स आ गया, या बोल सकते हो यहाँ पे रीथ आया है, यहाँ पे भी रीथ आया है, लेकिन अब इस डीएनए को कहा जाएगा कि अब ये डीएनए सुपर हेलिकल नेचर आ चुका है इसका। ठीक है, समझ में आया ना, रीथ इंडिविजुअल चीज है, ट्विस्ट इंडिविजुअल चीज है, लेकिन जब दोनों की वजह से मतलब ट्विस्ट में चेंजेस आया जिस वजह से रीथ आ गया, तब डीएनए को ओवरऑल सुपर हेलिक्स कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो इन स्टेट इस ट्विस्ट की वजह से जो यहाँ पे सुपर हेलिक्स आया, इसको बोलेंगे पॉजिटिव सुपर हेलिकल नेचर, और यहाँ पे बोलेंगे या पॉजिटिवली सुपर कॉइल बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेगेटिवली सुपर कॉइल। क्यों, क्योंकि अगर ट्विस्ट कम हो गए हैं और लेंथ बढ़ गया है, फिर अगर डीएनए ऐसे उलझ गया, ऐसे ऐसे बस गोल घूम गया इस तरह से, तब उसे कहा जाएगा नेगेटिव सुपर कॉइल। और मैंने बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर नेगेटिव सुपर कॉइल डीएनए होता है। नेगेटिव सुपर कॉइल डीएनए के पास बहुत सारा फ्री एनर्जी होता है जो कि यूज होता है, क्यों, वो थोड़ी देर तक बर्दाश्त करता है। अब अगर देखिए इसको खोला जाएगा, इसको खोला जाएगा, इस एरिया को खोला जाएगा, तो ये थोड़ी देर बर्दाश्त करेगा अपने अपने प्रॉब्लम को, यानी कि ये थोड़ी देर तक उलझन को नहीं आने देगा, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तुरंत यहाँ पे सुपर हेलिक्स बन जाएगा या ये टूट जाएगा, लेकिन ये थोड़ी देर तक बर्दाश्त करेगा। इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए होता है दैट इज नेगेटिवली सुपर कॉइल, खाली थर्मोफाइल्स का पॉजिटिव सुपर कॉइल होता है, ये मैंने कल बताया था। ओके, तो इतना मुझे कल के लिए रिपीट कराना था। ओके, ये सब तो मैंने बता दिया था। अब ठीक है, रीथ जो है वो टू टाइप्स का है, ये मैंने कल
टाइप्स यहाँ पे खत्म किया था। पहला टाइप को बोलते हैं इंटर क्या बोलते हैं रुक जाए इंटरस्पर्स्ड एंड प्लेक्टोनिक, मैं नाम हमेशा भूल जाती हूँ, एक सेकेंड फिर से भूल गई मैं, हाँ इंटरवाउंड, हाँ इंटरवाउंड और प्लेक्टोनिक एक टाइप को कहते हैं और एक टाइप को कहते हैं स्पाइरल और टोरॉइड। ठीक है, दो तरह के रीथ होते हैं। अभी तक आई होप आप लोगों को रीथ, ट्विस्ट और सुपर हेलिक्स के बारे में समझ में आ गया। अब रीथ दो तरह के, ये मैंने कल बताया था, एक है इंटरवाउंड और प्लेक्टोनिक, एक है स्पाइरल या टोरॉइड। इंटरवाउंड या प्लेक्टोनिक आईपी ऐसे याद रखेंगे, स्पाइरल आईपी, स्पाइरल या टोरॉइड। इंटरवाउंड को ही प्लेक्टोनिक कहते हैं, स्पाइरल या टोरॉइड। ये है हमारा नॉर्मल रीथ जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, और ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये वही है सेम, ये समझ लीजिए हमारा डबल हेलिक्स है जो कि आपस में उलझ गया है, दैट इज इंटरवाउंड और प्लेक्टोनिक। अब स्पाइरल या टोरॉइड क्या है, तो समझ लीजिए ये एक प्रोटीन है, इसके ऊपर डबल हेलिक्स वाउंड होगा तब इसको कहा जाएगा स्पाइरल या टोरॉइड, क्योंकि डबल हेलिक्स इसके ऊपर वाउंड हो रहा है। तो डबल हेलिक्स अपने ऊपर वाउंड ना होके किसी चीज पे वाउंड हो रहा है, दैट इज अवर स्पाइरल या टोरॉइड। यहाँ पे देखिए, दिस इज स्पाइरल या टोरॉइड, दिस इज इंटरवाउंड या प्लेक्टोनिक। ये इंटरवाउंड या प्लेक्टोनिक को देखिए, यहाँ पे देखिए डबल हेलिक्स है ना, ये अपने ऊपर ही वाउंड हो गया, अपने ऊपर ही उलझ गया, दैट इज इंटरवाउंड या प्लेक्टोनिक। और यहाँ पे देखिए, इसको इस चीज को जूम करके यहाँ पे देखा जा रहा है, तो देखिए डबल हेलिक्स जो है वो किसी चीज के ऊपर वाउंड हो रहा है। ठीक है, इंटरवाउंड या प्लेक्टोनिक एंड टोरॉइड या स्पाइरल, यहाँ तक हमने पढ़ा था कल। और इंटरवाउंड रीथ जो है वो स्पाइरल रीथ में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे ट्विस्ट जो है वो रीथ में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सब इंटर कन्वर्टिबल है एज लॉन्ग एज हमारे लिंकिंग नंबर में कोई चेंज ना आए। अगर लिंकिंग नंबर में चेंज आ गया, मतलब बाई चांस जितने ट्विस्ट थे हमारे डीएनए में उससे बढ़ गए या उससे कम हो गए, या रीथ नहीं था या जितना था उससे बढ़ गया या कम हो गया, दोनों केस में लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा। अगर लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा देन किसी को आके उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लिंकिंग नंबर चेंज वाले डीएनए को बर्दाश्त नहीं कर सकता से। तो लिंकिंग नंबर को इज एन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, जो मैंने कहा था इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो ट्विस्ट है वो क्या है, हम हमेशा बी डीएनए के बारे में ना बात करते हैं, कभी कभी ए या जेड होता है, तो ए जेड का टोपोलॉजी नहीं देखना है उतना, तो जो बी है राइट हैंडेड वही ए भी राइट हैंडेड है और जेड है हमारा लेफ्ट हैंडेड, तो जो बी डीएनए है उसका जो ट्विस्ट है उसे पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए ट्विस्ट का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो लिंकिंग नंबर भी पॉजिटिव माना जाता है। लिंकिंग नंबर इज पॉजिटिव एंड इट इज इनवेरिएंट, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर ये चेंज हुआ आपको खोलने के चक्कर में, डीएनए खोलने के चक्कर में, तब क्या होगा, तब आएगा द रोल ऑफ टोपो आइसोमरेज, जो आज हमको क्लियर करना है और ख़त्म करना है, ये टॉपिक आज खत्म करना है एट एनी कॉस्ट, नहीं तो कल रिविजन वगैरह नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपर कॉइल्स के बारे में मैंने बता दिया, क्या है सुपर कॉइल, तो देख सकते हैं जब ये समझ लीजिए नॉर्मल डीएनए है, जैसा अभी वाला डायग्राम हमने देखा था, वहाँ पे फिर से आते हैं, मैं इसको क्लियर करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे देखिए एडिटिव ट्विस्ट है ना, यहाँ पे ट्विस्ट का नंबर बढ़ा है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, एडिटिव ट्विस्ट की वजह से जो सुपर कॉइल आएगा दैट इज पॉजिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव ट्विस्ट की वजह से जो सुपर कॉइल आएगा दैट इज नेगेटिव, ये बात याद रखेंगे, यहाँ पे वही लिखा है सुपर कॉइल्स एडिटिव ट्विस्ट लीड टू पॉजिटिव सब्ट्रैक्टिव ट्विस्ट लीड टू नेगेटिव एंड मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव नेगेटिवली सुपर कॉइल डीएनए थर्मोफाइल्स हैव पॉजिटिवली सुपर कॉइल डीएनए। बस आपको इतना ही याद रखना है कि नेगेटिव सुपर कॉइल होगा तो उसके पास फ्री एनर्जी होगी और वो थोड़ी देर तक ट्विस्ट को मतलब उलझन को बर्दाश्त करेगा, इतना अगर याद रहेगा तो आप ये याद रखेंगे कि नेगेटिव सुपर कॉइल उसको कहते हैं और नेगेटिव सुपर कॉइल ऑफकोर्स कम ट्विस्ट होने से नेगेटिव सुपर कॉइल होगा, क्योंकि हमारे डीएनए में कम ट्विस्ट होना हमारे लिए फायदेमंद है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था कल का बात। अच्छा, फिर मैंने ये भी बोला कि लिंकिंग नंबर अगर चेंज हो जाता है तो फिर टोपो आइसोमरेज को आना पड़ता है, मैंने ये भी बोला आप लोगों को। तो टोपो आइसोमरेज के अलावा एक और चीज़ है जिसको कहा जाता है डीएनएज वन, एक एंजाइम है जो कि उसी की तरह काम करता है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, मतलब टोपो आइसोमरेज ब्रेक्स द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड चेंज रिलीव्स या चेंजेस द लिंकिंग नंबर टू नॉर्मल, जो था पहले उतना ही कर देता है टोपो आइसोमरेज।
वैसे डीएनएज वन भी एक एंजाइम है, वो भी एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ सकता है, और तोड़ के क्या करता है, जैसे समझ लीजिए ये है, यहाँ पे तोड़ दिया, अब ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, यहाँ पे इस ये जो डेवलप किया इसको कहा जाता है निक। अब इसमें से इसको क्रॉस करके पास करा के अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, इस उलझन को ठीक कर देगा। तो सेम जैसे टोको आइसोमरेज है वैसे एक एंजाइम और है डीएनएज वन, ये सारी चीजें लिंकिंग नंबर को चेंज होने से बचाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे छेद, यहाँ पे कट किया गया और ये पाइवोट है, पाइवोट मतलब ये इसमें से पास करेगा, रोटेट करेगा उसमें से, पाइवोट उसको बोलते हैं। तो देखिए ये कट हुआ, ये वाला नीक जो था वो वाला कट कर दिया, ये पाइवोट को उसमें से रोटेट करके यहाँ पे जो भी उलझन या जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया गया है। तो ये हमारा डीएनएज वन की वजह से है, और टोपो आइसोमरेज का डिटेल हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि आता है क्वेश्चन, दो बार तीन बार मैंने देखा है आता है क्वेश्चन। चलो अब यहाँ तक हमने कल तक अच्छे से पढ़ लिया था, अब अभी से लेके एक नया टर्म यूज करते हैं, एलके थीटा, या इसको एलके थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे इतना क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है ये एलके थीटा है। तो हमारा जो लिंकिंग नंबर है वो क्या था, ट्विस्ट प्लस रीथ। एक नया टर्म अभी हमको देखना है एलके थीटा, जो क्या है एलके थीटा, क्या है एक नॉर्मल डीएनए जो कि रिलैक्स्ड हो और बी डीएनए हो, एक नॉर्मल रिलैक्स्ड डीएनए बी फॉर्म में, जिसमें ट्विस्ट नॉर्मल है जितना होना चाहिए, रीथ मतलब है ही नहीं, या बोल सकते हो रीथ है भी तो ठीक, मतलब रिलैक्स्ड है, रीथ नहीं है उसमें, रिलैक्स्ड पूरा, ऐसे पूरा नॉर्मल डीएनए है, अच्छे से उसमें ट्विस्ट है, अच्छे से प्रेजेंट है, और बी डीएनए हो, बी डीएनए का हमने सारा प्रॉपर्टीज वगैरह देख लिया था। अच्छा प्रिंसु, डीएनएज एंजाइम फंक्शन, ओके डीएनएज एंजाइम वही करता है जो टोपो आइसोमरेज करता है, सिंपल, इट रिलीव्स द स्ट्रेस या इट रिमूव्स द बोल सकते हो स्ट्रेस इन डीएनए, टोपोलॉजिकल स्ट्रेस इन डीएनए सिमिलर टू टोपो आइसोमरेज एंड मेक्स द चेंज एंड रिटर्न्स द एलके वैल्यू टू नॉर्मल, जो लिंकिंग नंबर की वैल्यू पहले थी वो उसको वापस ले आता है जैसे टोको आइसोमरेज करता है, ठीक है प्रिंसु। तो अब ये एलके थीटा क्या है, तो एलके थीटा हम उसको उस चीज के लिए यूज करेंगे विच इज अ नॉर्मल रिलैक्स्ड बी डीएनए, उसके ट्विस्ट या रीथ की वैल्यू अगर करेंगे तब हम उसको बोलेंगे एलके थीटा। तो ये बोल सकते हो कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ठीक है, अभी हम एक स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कि समझ लीजिए क्लास में कोई टॉप करता है तो उसका समझ लीजिए 98% है, अब किसी एक का है 97.5, इसको हम सेकेंड बोलेंगे, कैसे सेकेंड बोलेंगे, इसके साथ कंपेयर करके बोलेंगे। तो ये टॉप जो आया दिस इज एल के थीटा, ये जो आया दिस इज एल के, तो किसी डीएनए का हम एल के चेक करेंगे, मतलब किसी डीएनए का हमको देखना है कि ट्विस्ट और रीथ क्या है, क्या है उसमें ट्विस्ट और रीथ की वैल्यू, अगर वो एल के थीटा मतलब एक नॉर्मल बी डीएनए रिलैक्स्ड, ये याद रखना, कंसिडर सीसीसी डीएनए दैट इज फ्री ऑफ सुपर कॉइलिंग, उसमें रीथ नहीं होगा, और उसके ट्विस्ट जो होंगे, उसके जो ट्विस्ट होंगे वो 10.5 बेस पेयर पर टर्न होगा, उसका वैल्यू एल के थीटा का लिया जाएगा, उसके साथ में जिस भी डीएनए को आप चेक करना चाहते हैं उसका एल के निकाला जाएगा, इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, सब कुछ समझाऊंगी, रुकिए देखिए यहाँ पर खाली कुछ स्पेस मिल जाए मुझे यहाँ पर, हाँ ये हमारा डीएनए है, एक टर्न किसको बोलते थे मैंने बताया था, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक टर्न हुआ ना, दिस इज वन टर्न, या वन ट्विस्ट भी बोल सकते हो, या हमारा पिच भी बोल सकते हो, हमने जो पिच पढ़ा था डीएनए का यही ना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक पॉइंट से जो अभी इतने देर से जो देख रहे थे वही ब्लू लाइट ब्लू वाला, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है दिस इज वन टर्न या वन ट्विस्ट, ये देखा था ना अभी पिछले वाले डीएनए में, देखो यहाँ पे चेक कर लेते, इस पॉइंट पे देखो ब्लू डार्क ब्लू ऊपर है, इस पॉइंट पे लाइट ब्लू ऊपर है, इस पॉइंट पे फिर डार्क ब्लू ऊपर है,
ये हमारा हो गया वन, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हो गया हमारा वन टर्न या वन ट्विस्ट या पिच भी कह सकते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, है कि नहीं। या इसका ये भी वैल्यू है, डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रूव्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर ग्रूव्स हमने ये भी पढ़ चुका है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है, ए मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है, डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रूव्स, है कि नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रूव्स इज अवर वन ट्विस्ट और वन टर्न और पिच। तो एक ट्विस्ट या एक टर्न में कितना डीएनए होता है, कितना बेस पेयर होता है, एक भी डीएनए में 10.5 बेस पेयर पर टर्न। तो हम एक ऐसा डीएनए लेंगे जिसमें रीथ नहीं है, ऐसा दिखता है, ऐसा सेम दिखता है, और उसके एक ट्विस्ट में 10.5 बेस पेयर पर टर्न है, मतलब ट्विस्ट सारे नॉर्मल है। अब उसका एल के वैल्यू निकालेंगे, एल के वैल्यू क्या होगा, ट्विस्ट प्लस रीथ, ठीक है। रीथ तो जीरो है, तो ट्विस्ट का वैल्यू निकालना होगा, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे, यानी एल के वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एल के थीटा फॉर सच ए मॉलिक्यूल इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देती हूँ सब कुछ। एल के थीटा फॉर सच ए मॉलिक्यूल, मतलब कौन से मॉलिक्यूल की बात हो रही है, बी डी एन ए रिलैक्स्ड दैट इज नो रीथ, नो रीथ एंड ट्विस्ट इज इक्वल टू, ट्विस्ट इज हैविंग 10.5 बेस पेयर पर ट्विस्ट। अब हमें निकालना है कि ट्विस्ट क्या है इसका, तब ये एल के, तब जो वैल्यू आएगा उसको बोला जाएगा एल के थीटा। एल के थीटा क्या होगा, एल के थीटा इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रीथ। ट्विस्ट क्या होगा देखना है अभी हमको, रीथ तो जीरो है, और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि वन ट्विस्ट इज हैविंग 10.5 बेस पेयर्स, ठीक है। तो एल के थीटा फॉर सच अ मॉलिक्यूल इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, मतलब 10.5, सॉरी इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स डिवाइडेड बाय 10.5। फॉर एग्जांपल एक डीएनए है हमारे पास जिसके पास इतना बेस पेयर है, मतलब 10,500 बेस पेयर्स है, और हमें कह दिया गया है इट इज रिलैक्स्ड बी डीएनए। अब मैं आपको बोलूंगी कि इसका एल के थीटा निकालो, एल के थीटा, तो आप क्या बोलोगे मुझे, मैम इसका रीथ तो जीरो है क्योंकि रिलैक्स्ड वर्ड यूज किया गया है। फिर ट्विस्ट कितना है, तो आपको पता है एक ट्विस्ट है, वन ट्विस्ट इज हैविंग 10.5 बेस पेयर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10.5 बेस पेयर इज इक्वल टू वन ट्विस्ट, तो 10,500 बेस पेयर इज इक्वल टू वन बाई 10.5 इंटू 10,500। अब इसको सॉल्व करने से हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 1000। तो हमारा एल के थीटा क्या है यहाँ पर, 1000। मैंने कहा था हमेशा उसका वैल्यू प्लस होगा, हमारा एल के थीटा क्या है, 1000। अब ऐसा ही एक कोई डीएनए आपके पास आया है जिसमें कि कुछ रीथ भी है, जैसे कि ये वाला डीएनए, इस वाले को, ये वाला डीएनए आपके पास आया है एल के थीटा का वैल्यू देखने के लिए। अब मैं समझाती हूँ, तो ये वाला डीएनए था हमारा बी डीएनए रिलैक्स्ड, ठीक है। इसका समझ लीजिए एल के थीटा निकालना है, एल के थीटा में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्विस्ट कितने हैं यहाँ पर, 36, पहले से बता दिया गया है, तो हमारा एल के थीटा है 36, ठीक है। अब ये वाला डीएनए आ गया हमारे पास, इसमें रीथ है, इसका एल के थीटा नहीं होगा, इसका क्या होगा, एल के होगा, इसका एल के कितना होगा, ट्विस्ट प्लस रीथ। इसका ट्विस्ट कितना है, 36 प्लस रीथ कितना है, -4, तो हमारा एल के कितना है, 32। -4 तो समझ में आया ना, रीथ क्योंकि यहाँ पे 4 है और वो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका एल के वैल्यू कितना है, इसका एल के वैल्यू कितना है, 32। इसका एल के थीटा कितना था, 36। इसका एल के थीटा क्यों लिया, इसका एल के क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है, बी डी एन ए है, रिलैक्स्ड है। जो भी डी एन ए अगर रिलैक्स्ड है और अगर आपको पता है कि वो बी डी एन ए है, तो फिर हमारे पास उसका जो वैल्यू आएगा वो होगा एल के थीटा। तो ये एल के थीटा हो गया हमारा एक स्टैंडर्ड डीएनए, और आपके पास एक सैंपल आया, आपने देखा उसमें रीथ है, उस रीथ आने से मतलब आप उसका एल के थीटा नहीं निकलेगा, सिंपल सा बात है, उसका एल के निकलेगा। अब होगा ये एल के, तो अब एल के को एल के थीटा से कंपेयर किया जाएगा, ये पता करने के लिए कि कितनी प्रॉब्लम है इसमें, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए एल के और एल के थीटा में डिफरेंस है, क्योंकि एल के थीटा कितना है, 36, एल के कितना है, 32, तो डेल्टा एल के निकालेंगे तो कितना आएगा,
फोर है ना, तो यहाँ पे डेल्टा एल के फोर है। अगर डेल्टा एल के जीरो नहीं है, जीरो होता कब, जब जो नया सैंपल आया है वो भी इसी की तरह होता, तो दोनों में सेम सब चीज़ होती, तो हमारा एल डेल्टा एल के जीरो आ जाता, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एल के फोर आया है। अगर डेल्टा एल के जीरो नहीं है तब दो कंडीशंस आएंगे, वो अब हमें देखना है। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एल के इज इक्वल टू एल के माइनस एल के थीटा। ठीक है, ओ वहाँ पे उल्टा कर दिया था, सॉरी, डेल्टा एल के इज इक्वल टू एल के माइनस थीटा। तो हमारा डेल्टा एल के, एल के कितना था इस डीएनए का, इस डीएनए का ऐसा डीएनए जो था उसका कितना था, 32। तो 32 माइनस 36, डेल्टा एल के कितना है, माइनस 4। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस मैंने जो बोले वो यहाँ है। इफ एल के इज लेस देन एल के थीटा, हमारा एल के थीटा कितना था, 36, एल के कितना था, 32। इफ एल के इज लेस देन एल के थीटा, ये था हमारा कंडीशन। ठीक है, एल के इज एल के थीटा, एल के इज लेस देन एल के थीटा इस कंडीशन में। डेल्टा एल के इज लेस देन जीरो, यस, हमारा डेल्टा एल के, हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें आ रहा है डेल्टा एल के, उसमें आ रहा है माइनस 4। देन द डीएनए इज सेट टू बी नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, वहाँ पे आंसर आ गया था, हमारा माइनस 4 था, रीथ कितना था, माइनस 4। तो हमारा 4 तो हो गया रीथ, ये माइनस हमको क्या दिखा रहा है, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, ये माइनस हमारे हमें बता रहा है कि जो सुपरकॉइल है वो कैसा है, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल ले लो जहाँ पे एल के ग्रेटर देन एल के थीटा होगा और डेल्टा एल के जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तब डीएनए इज सेट टू बी पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड। उल्टा कर लेते हैं, जैसे कि एल के अगर समझ लो था 36 और डेल्टा एल के था, एल के था 36 और एल के थीटा था 32, तो क्या होगा, डेल्टा एल के कितना होगा, 36 माइनस 32 इज इक्वल टू 4, तो इट इज ग्रेटर देन जीरो, यस, तो डीएनए इज सेट टू बी पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। एल के थीटा एंड एल के में डिफरेंस समझ में आया, कन्फ्यूजन होने का कोई है ही नहीं। यहाँ पे देखिए एल के थीटा हो गया हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है, एल के थीटा कब आएगा, जब बी डीएनए होगा। दो ही बातें याद रखना है एल के थीटा का, अगर किसी का एल के थीटा आपको निकालने के लिए दिया जा रहा है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो बी डीएनए है और रिलैक्स्ड, सिंपल, तभी उसको एल के थीटा आपको बोला जा रहा है निकाल के देने के लिए। अब किसी का एल के कब निकलेगा, जब वो बी डीएनए नहीं होगा, मतलब वो रिलैक्स नहीं होगा, मतलब उसमें सुपर कॉइल्स होंगे, मतलब क्या है कि उसका एल के निकलेगा। अब एल के को एल के थीटा से कंपेयर किया जाएगा, मतलब अगर यही डीएनए बी डीएनए होता या इसमें सुपर हेलिक्स यानी रीत यानी कुछ टेंशन नहीं होता तब क्या होता। अब ऐसा हो गया है तो ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि वो नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड है, पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड है। ये इसका यूज़ सिर्फ इतना ही है कि आपको पता चलना है कि पॉजिटिव सुपरकॉइल्ड है, नेगेटिव सुपरकॉइल्ड है, जो आपको मैंने खुद ही बता दिया है, खुद ही सिखा दिया है कि अगर डीएनए, अगर जो रीत है, जो रीत है वो ये वाला सम, ये हमारा डबल हेलिक्स है, इसमें रीत आ गया, मैंने बताया ना रीत का पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे निकालते हैं। अगर यही डबल हेलिक्स ऊपर चढ़ने के लिए इस तरफ जाएगा तो रीत पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, और रीत इस लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, रीत राइट में जाएगा तो नेगेटिव होगा, रीत लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ये तो पहले ही बता दिया, इसी से पता चल गया। लेकिन अगर आपको फिर भी स्टैंडर्ड तरीके से या एक मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, जो भी मुझे देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है, थैंक यू प्रिंसू, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम लग रही है यहाँ तक, कितना चार्ज है, चेक कर लो। अच्छा बोलिए, ठीक है ना, आई होप क्लियर हुआ। एल के और एल के थीटा, एल के थीटा क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एल के क्या है, एक प्रेजेंट, एक तुम्हारे पास सैंपल है उसकी वैल्यू है। एल के थीटा, एल के, एल के थीटा का मतलब ही है रीथ इज ज़ीरो, एंड एल के का मतलब है कि कुछ ना कुछ रीथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है।
एल के थीटा का मतलब क्या है, ट्विस्ट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वन ट्विस्ट इज इक्वल टू 10.5 बेस पेयर, तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दे दिया जाएगा। तो इसको ऐसे सीध करेंगे, 10.5 बेस पेयर इज इक्वल टू वन ट्विस्ट, समझ लो कि 100 बेस पेयर है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो क्या होगा इज इक्वल टू वन ट्विस्ट, तो 1/10.5 × 100। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि वैसे काउंट करना मुश्किल है। वैसे काउंट तो तभी कर सकते हैं ना जब सिंपल डीएनए हो, अगर मतलब कम ट्विस्ट हो तो ना। मैंने आपको जो तरीका सिखाया लाइट ब्लू डार्क ब्लू या इस तरह से निकाल लो, तो वो तो तरीका तब होगा जब यहाँ जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे एक ट्विस्ट हुआ, ये तब होगा ना जब छोटा होगा। लेकिन वही 36-37 अगर है तब ऐसे निकालना, ये वाले फॉर्मूला को दिमाग में रखना, ठीक है। फिर एल के थीटा क्या है वो भी ध्यान में दिमाग में रखना, डेल्टा एल के क्या है, और ये जो पॉइंट्स है ना ये आ सकता है एग्जाम में, ये सारे आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि डेल्टा एल के का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा एल के इज इक्वल टू एल के माइनस एल के थीटा, याद रखना। मैंने उसमें एल के थीटा माइनस एल के कर दिया था, सॉरी। तो डेल्टा एल के इज इक्वल टू एल के माइनस एल के थीटा, उसके बाद क्या है ये वाला बातें याद रखना, डेल्टा एल के इज लेस देन जीरो, डी एन ए इज सेट टू बी नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, सिंपल, लेस देन जीरो है। डेल्टा एल के इज ग्रेटर देन जीरो, डी एन ए इज सेट टू बी पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड, और ये वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो नेगेटिव डेल्टा एल के कब आएगा, कॉमन सेंस से नेगेटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब एल के थीटा इज ग्रेटर देन एल के, यहाँ पे एल के थीटा इज ग्रेटर देन एल के या एल के इज लेस देन एल के थीटा, एक ही बात है। अब यही इसी का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, एल के की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो एल के इज ग्रेटर देन एल के थीटा। तो इसको याद रखने में कुछ ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। और इफ़ द डेल्टा एल के ऑफ सी 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 डी एन ए इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, लेकिन अगर वो जीरो रहा, मतलब एल के इज इक्वल टू डेल्टा एल के, सॉरी, एल के इज इक्वल टू एल के थीटा, डेल्टा एल के क्या होगा, जीरो होगा। मतलब वो क्या है, वो जो डीएनए आपने सैंपल लिया है टेस्ट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो बी डीएनए रिलैक्स्ड, बस यही बात है, यही हमको देखना था, ठीक है। चलो थैंक यू शमीमा, थैंक यू प्रिंसू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी वही जो मैंने आपको सिखाया वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, एल के दिया गया है, और यही जो हमने सीखा उसी को ही यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दिखाया गया है, बस अभी जो हमने सीखा। अब आता है एक और टर्म, सुपर हेलिकल डेंसिटी। तो अभी हमने डेल्टा एल के सीखा, एल के थीटा सीखा, एल के कल से सीखा था, अभी हम कर सीखेंगे सुपर हेलिकल डेंसिटी, जिसका जिसका सिंबल है सिग्मा और जिसका फॉर्मूला है डेल्टा एल के बाय एल के थीटा। ये है क्या, थोड़ा देर में देखते हैं। सबसे पहली बात, डेल्टा एल के क्या है, एल के माइनस एल के थीटा। सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या है, डेल्टा एल के बाय एल के थीटा, हो गया। तो पुराने वाले क्वेश्चन में जो पुराना वाला डायग्राम था हमारा ब्लू कलर का, उसमें क्या था, एल के थीटा कितना था 36, एल के कितना था 32, है ना। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है एल के थीटा, इस डीएनए का जो भी आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, वो होगा एल के थीटा, बिकॉज इट इज सी 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 डीएनए एंड बी डीएनए रिलैक्स्ड, यहाँ पे रीथ नहीं है। इसका वैल्यू होगा एल के थीटा, इसका वैल्यू होगा एल के, तो हमारा डेल्टा एल के कितना है, इसका वैल्यू कितना है 36, इसका वैल्यू एल के कितना था 32, हमारा क्या होगा 32 - 36, ठीक है। यहाँ पे देखिए 32 - 36 डेल्टा एल के, ठीक है। सिग्मा क्या है, सुपर हेलिकल डेंसिटी, जो जिसका वैल्यू है, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा एल के बाय एल के थीटा। तो डेल्टा एल के कितना है यहाँ पे -4 बाय एल के थीटा, एल के थीटा कितना है 36, स्टैंडर्ड डीएनए था हमारा 36, ये है हमारा सिग्मा। इस कंडीशन में सुपर हेलिकल डेंसिटी का वैल्यू हो गया, सुपर हेलिकल डेंसिटी का क्या वैल्यू हो गया, डेल्टा एल के बाय एल के थीटा। डेल्टा एल के क्या हो गया, इज इक्वल टू एल के माइनस एल के थीटा, ये दोनों डीएनए को कंपेयर किया जा रहा है, इसका निकलेगा एल के थीटा, इसका निकलेगा एल के। आई होप मैं क्लियर हूँ, थैंक यू प्रिंसू, आई होप मैं क्लियर कर दिया आप लोगों को। सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या है मैं बताऊंगी, लेकिन सुपर हेलिकल डेंसिटी का फॉर्मूला पहले दिमाग में बिठाइए, डेल्टा एल के बाय एल के थीटा क्या है, समझ में आ जाएगा, तो फॉर्मूला भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ आ जाएगा, देख लेते हैं। अच्छा, सुपर हेलिकल डेंसिटी इज हैविंग अ सिंबल सिग्मा एंड इट इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग पर हेलिकल ट्विस्ट ऑफ डीएनए। मतलब
एक ट्विस्ट की वजह से कितना सुपर हेलिकल आता है। एक ट्विस्ट क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को ट्विस्ट कहते हैं। इस एक ट्विस्ट की वजह से जब प्रॉब्लम डेवलप करेगी, जब हम खोलेंगे, ट्विस्ट कम होते जाएगा, ट्विस्ट की लेंथ कम हो जाएगी, ट्विस्ट का नंबर बढ़ते जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, रीथ डेवलप करेगा। रीथ डेवलप करेगा, हम बोलेंगे तब डीएनए की वो सुपर हेलिकल है, मतलब उसमें टेंशन डेवलप कर गया, वो रिलैक्स नहीं है। तो वो जो रीथ डेवलप किया और ट्विस्ट का चेंज आया, इन दोनों की वजह से जो डीएनए को आप डीएनए में हम कह देंगे सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये जो सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, ट्विस्ट की वजह से। तो हम ये देखेंगे एक ट्विस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है सुपर हेलिकल बनाने में, सुपर कॉइलिंग करने में, ठीक है। तो वही लिखा है, सुपर हेलिकल डेंसिटी इज द सिंबल सिग्मा एंड डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग पर हेलिकल ट्विस्ट। मतलब एक हेलिकल ट्विस्ट की वजह से कितना सुपर हेलिकल डेंसिटी बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, कितना बन रहा है सुपर हेलिकल, सुपर हेलिक्स डीएनए। जो डीएनए अब सुपर हेलिकल हो गया, ट्विस्ट ज़्यादा हो गए, ट्विस्ट का लेंथ कम हो गया, रीथ आ गया, तो डीएनए अब हमारा सुपर हेलिक्स हो गया। तो सुपर हेलिक्स क्यों हुआ, ट्विस्ट की वजह से। तो एक ट्विस्ट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, पर ट्विस्ट कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सुपर हेलिक्स बनाने में, दैट इज कॉल्ड एज सुपर हेलिकल डेंसिटी। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बस, और ये उसका वैल्यू है, डेल्टा एल के बाई एल के थीटा। तो वही होगा ना, डेल्टा एल के क्या है, डेल्टा एल के क्या है, एल के माइनस एल के थीटा बाई एल के थीटा। क्योंकि क्या है, एल के थीटा क्या है, नंबर ऑफ ट्विस्ट स्टैंडर्ड थे, इसमें नंबर ऑफ ट्विस्ट में चेंज आया, रीथ आया, तो अब क्या होगा, सुपर हेलिक्स बनेगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा, इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा एक एक ट्विस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है सुपर हेलिक्स बनाने में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। एक वैल्यू यहाँ पे दी गई है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्योरीफाइड फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स हैव सिग्मा वैल्यू -0.06। मतलब एक ट्विस्ट की वजह से इतना चांस होता है सुपर हेलिक्स बनाने का, ये एक वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सुपर हेलिकल डेंसिटी का बायोलॉजिकली मीनिंग क्या है। ये तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया, मैथमेटिकल रिलेशन बता दिया, सब बता दिया। अब हम देखेंगे कि सुपर हेलिकल डेंसिटी का बायोलॉजिकली क्या मीनिंग है, मतलब क्या हो गया। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि अगर नेगेटिव सुपर कॉइल्ड है डीएनए, नेगेटिव सुपर कॉइल्ड है अगर डीएनए, तब क्या होगा, उसके पास फ्री एनर्जी है, तो क्या होगा, वो डीएनए सस्टेन कर पाएगा थोड़ी देर तक अपने ट्विस्ट के इंक्रीज को। दैट मीन्स वो थोड़ी देर तक उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, थोड़ी देर तक इतना टेंशन नहीं आएगा, थोड़ी देर तक रीथ भी डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि वो लूज था। यही है सुपर हेलिकल डेंसिटी की इम्पोर्टेंस। मतलब अगर हेलिक्स, अगर ट्विस्ट कम है, ट्विस्ट कम है, तो थोड़ा टाइम लगेगा सुपर हेलिकल बनने में, बस यही है, सुपर हेलिक्स बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। ट्विस्ट का नंबर कम है और उनकी लेंथ अगर ज़्यादा है, मतलब नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है डीएनए। इसलिए मैंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए, ठीक है। तो स्ट्रैंड सेपरेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड मोर इजिली इन नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए दैन इन रिलैक्स्ड डीएनए। ये बात ध्यान रखो, एक रिलैक्स्ड डीएनए मतलब एक नॉर्मल डीएनए में ट्विस्ट जितना है, उतना अगर नेगेटिव सुपर कॉइल को कंपेयर करेंगे, नेगेटिवली सुपर कॉइल डीएनए को कंपेयर करेंगे, तो ट्विस्ट नेगेटिवली सुपर कॉइल में कम होगा, नेगेटिवली सुपर कॉइल में कम होगा। देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो फिर से, यहाँ पे देखो ये एक रिलैक्स्ड डीएनए है, लेकिन इसमें देखो और भी ट्विस्ट कम है इससे, तो ये वाला डीएनए और आसान है खोलना इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में। तो एक एल के थीटा का वैल्यू लेके अगर कोई डीएनए बैठा है, वो उससे भी बेटर होगा अगर कोई हमने डीएनए लिया जिसका एल के वैल्यू की वजह से, मतलब हमें पता चल रहा है कि उसका ट्विस्ट कम है। अगर नंबर ऑफ ट्विस्ट नॉर्मल से कम है तो नेगेटिवली सुपर कॉइल है, वो ज़्यादा बेटर है खोलने के चक्कर, खोलना अगर होगा। बेटा ये सब वॉटसन से, सब कुछ ठीक है। मैं लेनिंजर का देखी नहीं हूँ, मुझे वॉटसन से अच्छा लगा था, समझ में आया था, मैं सारा ये वॉटसन से उठाई, ठीक है, सब कुछ है वॉटसन से।
अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको, हमने समझा सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या है, एल के थीटा क्या है, ट्विस्ट क्या है, रीथ क्या है, सुपर कॉइलिंग क्या है। इतना ही पढ़ना था, अभी तक इतना पढ़ चुके हैं। और एल के क्या है ये पढ़ना था, एल के क्या है, उसका रिलेशन क्या है एल के थीटा से, सिग्मा क्या है, नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग क्या है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या है, उसके बाद नेगेटिव रीथ क्या है, पॉजिटिव रीथ क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक चेक की। ठीक है, चलिए अभी तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, मैं पानी पी लूँ थोड़ा, यहाँ से नया सेगमेंट स्टार्ट होगा और जल्दी अभी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? जल्दी से जवाब दे दीजिए, तो फिर हम बस हो गया, टोपो आइसोमरेज स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे इस टॉपिक को। टोपो आइसोमरेज आ गया या खत्म हो जाएगा इसके बाद ये जल्दी से। ओवरऑल देखा जाए तो डीएनए स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेनिंजर के 2-3 पेज मुझे कवर करने रह गए हैं, जो मैं अभी रिविजन के टाइम में थोड़ा बता दूंगी, डोंट वरी, थोड़ा सा रह गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने वॉटसन लेनिंजर कम्प्लीटली कवर कर दिया आपको डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर। कोई प्रॉब्लम है? बस इसके अलावा आपको चाहिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने सिंपल से स्टार्ट करके पूरा कॉम्प्लिकेटेड तक ले गए हैं, लेकिन हमें कॉम्प्लिकेटेड, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, सब इजीली ही ख़त्म हो गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं आगे बढ़ूँ? किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े हम? आगे बढ़ें, कोई एक रेस्पॉन्ड कर दो कि हम आगे बढ़ते हैं। यस, बोलिए जल्दी 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 आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ूंगी। सबको सब कुछ क्लियर हो गया? इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, हम आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोसोम्स इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन यूकैरियोट्स। मतलब क्या है न्यूक्लियोसोम? क्या है, आपने हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में तो सुना होगा, हिस्टोन प्लस डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? व्हेन हिस्टोन प्रोटीन्स, देयर इज एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए में होता है। तो जब ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे समझ लीजिए और पीछे 4 और 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है और वहाँ पे और 4 है, इनके ऊपर डीएनए को ऐसे रैप किया जाता है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे हमारा एक हिस्टोन, दूसरा हिस्टोन, तीसरा, चौथा, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, इनके ऊपर डीएनए को ऐसे 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 क्या किया जाता है, कॉइल किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं 2 कॉइल्स के आसपास, 2 बार कॉइल किया जाता है उसके आसपास, उससे कम ही किया जाता है, 1/3/4 टर्न्स होते हैं। लेकिन अगर हम अभी यहाँ पे 2 समझ लेते हैं, तो अगर ये समझ लीजिए हमारा न्यूक्लियोसोम है, ये हमारा हिस्टोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हिस्टोन के ऊपर डीएनए को कॉइल किया जा रहा है, हो गया, कॉइल किया जा रहा है जब डीएनए के ऊपर, तब यहाँ पे भी जब कॉइल किया जाता है तो देखिए यहाँ पे रीथ हो गया ना, समझ लीजिए ये हमारा एक हिस्टोन का ऑक्टामर है, इसके ऊपर डीएनए को कॉइल किया जा रहा है, ठीक है, ये हमारा डीएनए, तो यहाँ इसके ऊपर जब कॉइल किया जा रहा है तब भी तो रीथ आ गया, यहाँ पे रीथ डेवलप कर गया, ये जो रीथ है ये नेगेटिव है। तो जब डीएनए को हिस्टोन के ऊपर कॉइल किया जाता है तब भी डीएनए में नेगेटिव सुपर कॉइल्स डेवलप करने की कोशिश की जाती है,
ताकि वो उसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने में इजी हो। सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हो गया हिस्टोन। मैंने क्या बोला, हिस्टोन्स के ऊपर डीएनए को दो बार कॉइल किया जाता है ना, ये हमारा डीएनए है। यहाँ पे भी तो रीथ डेवलप किया, तो ये जो रीथ डेवलप किया ये नेगेटिव है। कैसे इमेजिन करेंगे, इमेजिन कीजिए यहाँ पे आपका हिस्टोन का ऑक्टामर है, इसके ऊपर जो डीएनए कॉइल हो रहा है तो वो मैंने आपको बताया था इस तरफ जाने से नेगेटिव होता है, इस तरफ जाने से पॉजिटिव। तो समझ लीजिए वो इसी तरफ जाके हम कॉइल कर रहे हैं, इसकी वजह से भी नेगेटिव सुपर कॉइल्स डेवलप करते हैं डीएनए में, या डीएनए का जो स्टेट होता है वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड हो जाता है रीथ की वजह से। और इस समय में ट्विस्ट का नंबर भी कम हो जाता है और ट्विस्ट की लेंथ बढ़ जाती है, और ये भी एक तरीका है डीएनए का नेगेटिवली सुपर कॉइल करके रखने में। ठीक है, चलिए अब आते हैं टोपोआइसोमरेज के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे बेसिकली रेप्लिकेशन में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब इसके ये हमको पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि जब भी लिंकिंग नंबर में कोई चेंज होगा तब उसे टोपोआइसोमरेज आके ठीक करेंगे। टोपोआइसोमरेज क्या करेंगे, दे निक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दे निक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और बैकबोन ऑफ डीएनए, दे निक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और बैकबोन ऑफ डीएनए। टोपोआइसोमरेसिस टू टाइप के होते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। मैंने आपको बताया था पहले भी, ये एक एंजाइम है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं। तो आपको पता है कोई भी एंजाइम होता है उसका एक एक्टिव साइट होता है, उस एक्टिव साइट पर रिएक्टेंट्स जाते हैं और फिर उनके बीच में जो भी रिएक्शन होना है वो होगा और वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एंजाइम को छोड़ के चले जाएंगे। तो एंजाइम कभी भी रिएक्शन के पार्ट नहीं लेता है, तो एंजाइम्स नेवर टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, दे जस्ट फैसिलिटेट द रिएक्शन। तो टोपोआइसोमरेज भी एक एंजाइम है जो कि डीएनए को जाके जहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, ट्विस्ट कम हो गए हैं, ट्विस्ट का नंबर ज़्यादा हो गया, ट्विस्ट की लेंथ कम हो गई, रीथ आ गई है, डीएनए सुपर कॉइल्ड हो चुका है, प्रॉब्लम आ गई है, आगे और फर्दर स्ट्रैंड सेपरेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ पे दौड़ के जाता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज डीएनए को अपने एक्टिव साइट में लेता है और वहाँ पे कट करता है। जैसा टोपोआइसोमरेज होगा, जैसी प्रॉब्लम होगी वैसा टोपोआइसोमरेज आएगा और वैसा काम। तो दो तरह के टोपोआइसोमरेज है, टाइप वन एंड टाइप टू। आपको पढ़ना याद रखना ये है कि टाइप टू एंड टाइप वन में डिफरेंस क्या है। टाइप टू प्रोड्यूसेस डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ये दोनों स्ट्रैंड को काट के फिर वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टाइप वन इंट्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। टाइप टू यूजेस एटीपी फॉर दिस रिएक्शन, इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर दिस रिएक्शन। पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, टाइप टू टोपोआइसोमरेजेस चेंज द लिंकिंग नंबर इन टू स्टेप्स। आपको बताया मैंने कि लिंकिंग नंबर चेंज हुआ तो टोपोआइसोमरेज आए, टोपोआइसोमरेज आके लिंकिंग नंबर को फिर से वापस कर देंगे नॉर्मल में। तो टोपोआइसोमरेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप वन टाइप टू। टाइप टू टोपोआइसोमरेजेस चेंज द लिंकिंग नंबर इन स्टेप्स ऑफ टू, दे मेक ट्रांजिएंट डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ट्रांजिएंट क्योंकि क्या मैंने बताया था कि टोपोआइसोमरेज क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं उसको, फिर सॉल्व करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस ब्रेक को सील कर देते हैं, इसलिए बोला जा रहा है ट्रांजिएंट डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन द डीएनए थ्रू विच दे पास ए सेगमेंट ऑफ अनकट डुप्लेक्स डीएनए बिफोर रिसीलिंग द ब्रेक। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज टाइप टू का काम दिखाया गया है। ये देखिए ये क्या है, डबल स्ट्रैंड है, ये एक डबल स्ट्रैंड है, ये दूसरा डबल स्ट्रैंड है। रीथ को क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए अपने ऊपर ही चढ़ जाए। यहाँ पे ट्विस्ट का भी कुछ प्रॉब्लम आया होगा, रीथ आ गया, इस वजह से ये डीएनए क्या हो गया, सुपर हेलिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा सुपर हेलिकल है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला स्ट्रैंड इस तरफ टर्न हुआ है, लेफ्ट की तरफ हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सा सुपर हेलिक्स है, पॉजिटिवली सुपर कॉइल डीएनए है, ये पॉजिटिवली सुपर कॉइल डीएनए है ना। या रीथ यहाँ पे जो है, एक रीथ है यहाँ पे, रीथ का वैल्यू यहाँ पे कितना है, वन, क्या है, इस तरफ डीएनए टर्न हुआ है डबल हेलिक्स, तो रीथ यहाँ पे कितना है, प्लस वन। हमें इसको ठीक करना है, आएगा हमारा टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, देखो मैंने बताया डबल स्ट्रैंड ब्रेक कट करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ये देखो ये डबल स्ट्रैंड है ना, एक इसमें कट कर दिया, दूसरे डबल स्ट्रैंडेड रीजन को उस कट से पास किया और उसको सील कर दिया। तो
टाइप टू क्या करता है, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है एंड डीएनए, इसको एटीपी की जरूरत होती है ये काम करने के लिए, ये टाइप टू। टाइप वन देख लेते हैं, टाइप वन देखो, टाइप वन एक ही स्ट्रैंड में कट करता है, दूसरे स्ट्रैंड को उसके थ्रू पास करके सील कर देता है। तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर अगर एन है तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर एन प्लस वन है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ ये तो खुला हुआ था लेकिन अब इसको सील करके यहाँ पे एक ट्विस्ट डेवलप कर दिया, दिस इज लिंकिंग नंबर एन प्लस वन। यहाँ पे ट्विस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको तो पता होगा, ये एक ट्विस्ट हुआ, ये दूसरा ट्विस्ट, ये तीसरा ट्विस्ट, यहाँ से चौथा ट्विस्ट, ये तो ट्विस्ट कैलकुलेट करने के लिए इजी एक डायग्राम है। टाइप वन टाइप टू का मतलब समझ में है, टाइप वन क्या करता है एक ही स्ट्रैंड में कट करता है, टाइप टू डबल स्ट्रैंड में कट करता है, टाइप टू को एटीपी चाहिए, टाइप वन को नहीं चाहिए, बस यही डिफरेंस है दोनों में। अब आगे देखते हैं, प्रोकैरियोट्स के पास ये टाइप वन टाइप टू के अलावा एक और स्पेशल टोपोआइसोमरेज है जिसको बोलते हैं डीएनए गायरेज। अब यहाँ तक तो हमने देखा था कि टोपोआइसोमरेज लिंकिंग नंबर को ठीक करते हैं, लेकिन ये जो डीएनए गायरेज है ये क्या करता है, ये नेगेटिव सुपर कॉइल को और इंट्रोड्यूस करता है, ये इसका काम उल्टा है। बाकी के टोपोआइसोमरेज सुपर हेलिकल जो भी प्रॉब्लम डेवलप की है उसको ठीक करते हैं, लेकिन डीएनए गायरेज नेगेटिव सुपर कॉइल्स को इंट्रोड्यूस करता है और ये मेक श्योर करता है कि सारे डीएनए जो भी प्रोकैरियोट्स में हो नेगेटिवली सुपर कॉइल बन के रहें ताकि उन्हें खोलना आसान हो, क्योंकि आपको पता है नेगेटिवली सुपर कॉइल डीएनए को खोलना आसान होता है, स्ट्रैंड सेपरेशन इज मच मच ईजियर इन केस ऑफ नेगेटिवली सुपर कॉइल डीएनए। सो प्रोकैरियोट्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज अलॉन्ग विथ टाइप वन एंड टाइप टू, दैट इज डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स इन प्रोकैरियोट्स। द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंक्लूड हेल्प इन वेरियस प्रोसेसेस लाइक ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, आई होप सबको क्लियर हो गया है। अब हम दो तरह का कट देखे थे, सिंपल सी बात हमने देखी थी, डबल हेलिक्स में कट, एक स्ट्रैंड में कट, टाइप वन टाइप टू, एटीपी नो एटीपी, यही देखा था अभी तक। इसके अलावा भी टोपोआइसोमरेज़ के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि दे हेल्प इन अननॉटिंग एंड डिस एंटैंगल, मतलब ये वाला एक डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए जब प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होता है, प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा है, सीसीसी डीएनए इस तरह का, या ऐसा बना सकते हो, है ना। अभी रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, एक जगह पे इनिशिएशन बबल बनेगा जहाँ पे ट्विस्ट को हटा दिया जाएगा, बाकी डीएनए पे वो बाकी नॉर्मल जगह पे ट्विस्टेड रहेंगे लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट हट गया, अब यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये बबल बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ तक बबल बढ़ गया और यहाँ पे तो ये ट्विस्टेड है, यहाँ पे डीएनए इतना बड़ा बन गया, ऐसे करते करते डीएनए बनते जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, पहले दो स्ट्रैंड थे लेकिन अब चार स्ट्रैंड हो जाएंगे क्योंकि रेप्लिकेशन हो गया है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब हमें एक प्रॉब्लम क्या है, एक का कॉपी तो बन गया रेप्लिकेशन की वजह से, अब हमें उन दोनों को अलग करना है। ठीक है, उन दोनों को अलग करना है के लिए हमें यहाँ पे भी टोपोआइसोमरेज की जरूरत पड़ेगी, टोपोआइसोमरेज टू। तो देखिए ये दोनों जो आपस में क्या थे, एक गोल के अंदर एक और गोल, ये ठीक है, ये इसको बोलते हैं कैटिनेटेड डीएनए। देख लो कैटिनेटेड डीएनए, देखो कट करने के लिए क्या करना पड़ा, देखो ये पूरा कट करके मैंने इसको निकाला, तो ये जो ये है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मतलब यहाँ पे भी दो हेलिक्स है, दो स्टैंड है, यहाँ पे भी दो स्टैंड है, सॉरी यहाँ पे भी दो स्टैंड है, यहाँ पे भी दो स्टैंड है, यहाँ पे भी दो स्टैंड है। अब इसका रेप्लिकेशन होने लग गया, एक और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया नया, तो ये दोनों उलझे हुए हैं दो रिंग्स की तरह, ये हो गया कैटिनेटेड डीएनए, मतलब एक डबल स्ट्रैंड दूसरे डबल स्ट्रैंड में उलझा हुआ है। अब यहाँ पे आएगा टोपोआइसोमरेज, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में कट करेगा, इसको निकाल देगा, इसको सील कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा कैटिनेटेड डीएनए, ये हो गया डी कैटिनेटेड डीएनए, दिस इज कैटिनेशन, दिस इज डी कैटिनेशन, कैटिनेशन डी कैटिनेशन, ये कौन करेगा, ऑफकोर्स टोपोआइसोमरेज टू, टाइप टू टोपोआइसोमरेज। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों डीएनए अलग हैं एक दूसरे से, कैटिनेशन की प्रोसेस से जुड़ गए, अब ये जुड़े हुए हैं
डीकैटिनेशन के प्रोसेस से रिवर्स में अलग हो गए। ये किसने किया? टाइप टू ने। ठीक है, टाइप वन ये काम कब करेगा? जब किसी एक डीएनए में थोड़ा सा कहीं पे गैप अगर पहले से है तो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले से थोड़ा सा गैप था, तब टाइप वन भी कर पाएगा। क्योंकि टाइप वन क्या करेगा, वो दोनों हेलिक्स को नहीं काट सकता, एक हेलिक्स को काट सकता है। यहाँ पे देखिए एक हेलिक्स है ही नहीं, एक ही हेलिक्स है, तो तब वो अलग कर पाएगा उनको और जोड़ पाएगा। तो ये तो हो गया कैटिनेशन डीकैटिनेशन इन दोनों में, यहाँ पे कैटिनेशन डीकैटिनेशन है। अभी तक हमने देखा टाइप वन टाइप टू क्या करता है, एलके को नॉर्मल रखता है, कैटिनेशन डीकैटिनेशन करता है। अब दो चीजें एक्स्ट्रा है, इसको बोलते हैं एंटैंगल्ड डीएनए, एंटैंगल्ड डीएनए, और ये हो गया डी एंटैंगल्ड डीएनए। ठीक है, एंटैंगलमेंट मतलब उलझन, ये हो गया एंटैंगल्ड डीएनए, ये हो गया डी एंटैंगल्ड डीएनए। ये यूकैरियोट्स में कभी हो सकता है, जैसे कि यूकैरियोट्स में समझ लीजिए ये हमारा डीएनए डबल हेलिक्स है। ठीक है, अब यहाँ से खुल गया, यहाँ से खोला जा रहा है, स्ट्रैंड सेपरेशन हो रहा है ना। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से खुलने के चक्कर में ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ऐसा हो जाए, मतलब आपस में ही वो अपने ऊपर ही वो उलझ जाए, इसको खुलेगा देखो फिर यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये डबल हेलिक्स दिखाया जा रहा है इसके अंदर में, ये भी टाइप टू टोपोआइसोमरेज करेगा, मतलब ये समझ लो एक हेलिक्स है दो स्ट्रैंड, ये दूसरा हेलिक्स दो स्ट्रैंड, मतलब एक ही स्ट्रैंड है लेकिन वो बहुत लंबा है, तो क्या होगा वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, दिस इज एंटैंगलमेंट। एक ही हेलिक्स है मेरा, समझ लो ये मेरा हाथ दोनों जुड़ा हुआ है, ये एक ही हेलिक्स है, खोलने के चक्कर में ये ऐसा हो गया। हो गया, तो अब क्या करना होगा, एक को काट के, मेरा ऊपर वाले हाथ को काट के नीचे वाले हाथ को उसमें से निकाल दिया, तो एंटैंगलमेंट भी टाइप टू टोपोआइसोमरेज अलग करता है। इसको बोलते हैं नॉटिंग, नॉटिंग मतलब गठान, गठान जब हम धागे को, दो धागे को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो जो गठान पड़ जाता है, तो ये देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इसको भी फिर नॉर्मल करता है टाइप टू। तो टाइप टू का एलके के अलावा और क्या क्या फंक्शन है मैम? एवरी रेशी मैम, एंजाइम हेलिकेस अनवाइंड्स, यस एंजाइम हेलिकेस क्या करता है देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी लिखा ये हमारा, ओके और दूसरा पेज, ये हमारा डीएनए है समझ लीजिए, अब इसको रेप्लिकेट करना है, तो यहाँ पे थोड़े से ट्विस्ट को कम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बबल बनेगा, अब ये बबल को बड़ा करना जरूरी है हर स्टेप में, नहीं तो रेप्लिकेशन कैसे होगा, ये और बड़ा हो गया, ये हो रहा है हेलिकेस की वजह से। तो इनफैक्ट कह सकते हो कि हेलिकेस इज द एंजाइम विच चेंजेस एलके, हेलिकेस की वजह से एलके बदल रहा है, ऑफ कोर्स वेरी गुड, आपने ये पॉइंट को राइज किया, क्योंकि हेलिकेस ही क्या कर रहा है, ट्विस्ट्स को एक पॉइंट में हटा रहा है, यहाँ से ट्विस्ट हटा रहा है और यहाँ पे ट्विस्ट को इंक्रीज कर रहा है ना, हेलिकेस के वजह से ही रीथ डेवलप कर रहा है, हेलिकेस के वजह से ही डीएनए सुपर कॉइल्ड हो रहे हैं, सुपर हेलिक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको ठीक करेगा टोपोआइसोमरेज, बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। ठीक है रेशी, चलिए तो यहाँ पे एंटैंगलमेंट और डीनॉटिंग कैटिनेशन डीकैटिनेशन सारा चीज क्लियर हो गया टोपोआइसोमरेज की वजह से, और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने अभी समझाई हैं आपके रीडिंग करने के लिए है। जैसे डीकैटिनेशन में लिखा है टोपोआइसोमरेज मॉलिक्यूल्स दे ऑल्सो टोपोआइसोमरेज टू दे डीकैटिनेट द टू कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। देखिए ये एक डीएनए है, ये एक सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज डीएनए है, सीसीसी डीएनए। हाँ रेशी थैंक यू, तो ये है एक सीसीसी डीएनए। अब यहीं पर यहाँ पे दो सीसीसी डीएनए है, इन्हीं को डीकैटिनेट करना है, तो नहीं कर रहा है टाइप टू टोपोआइसोमरेज डीकैटिनेशन नहीं कर रहा है, डीकैटिनेशन ऑफ टू कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कौन कर रहा है, कौन कर रहा है तो अब टाइप टू टोपोआइसोमरेज बस। ठीक है, फिर टाइप वन क्या करेगा, टाइप वन कब करेगा, जब एक एक कैटिनेटेड डीएनए, ये कैटिनेशन है, जब दोनों उलझे हुए हैं वो कैटिनेशन है, अब दोनों सुलझ गए वो डीकैटिनेशन है। जब एक कैटिनेटेड डीएनए में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो ही टाइप वन उसको अलग कर सकते हैं, वही चीजें लिखी हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन यूकैरियोट, मतलब जो ये वाला डायग्राम था ये यूकैरियोटिक का डायग्राम है,
यूकैरियोट्स में कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो ठीक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नॉट्स, नॉट्स में ये वाला नॉट, ये सारे स्लाइड्स में जो लिखा है यहाँ पे वही डायग्राम है जो मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं कि टोपो आइसोमरेज इतनी सारी जो हरकतें करता है, इतना सारा जो करामत करता है, वो कैसे करता है। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं पानी पी के एक सेकेंड का ब्रेक लेती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं टोपो आइसोमरेज कैसे ये सारा काम करता है। एक्चुअली टोपो आइसोमरेज का थोड़ा सा और रह गया है, आधा पैराग्राफ बोल सकते हैं वॉटसन से और रह गया है, लेनिंजर से मुझे लगता है यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, जिसको कोशिश करेंगे कि कल मैराथन सेशन है, पहले कल आधा घंटा के 40 मिनट के आसपास में वो सबको कवर कर लें। मैराथन में 2-3 घंटा कितना भी घंटा चल सकता है, उसके बाद आपका रिविजन एंड डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि सब जितने लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं या जो भी जिन्होंने भी एक भी वीडियो देखा है, वो सारा वीडियोस जो भी रिकॉर्डेड है वो देख लें। नहीं देखना है कोई बात नहीं, मुझे देखना ज़रूरी नहीं है, आप किसी और का देख लें। डीएनए स्ट्रक्चर का किसी और का भी नहीं देखने का मन है तो लेनिंजर और वॉटसन पढ़ लें ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएँ आपके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टोपो आइसोमरेज कैसे करते हैं। मैम, मैंने सुना है कि अब CSNET के लिए अब PhD करना ज़रूरी है, मैंने सुना है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, एमएससी के बाद ही आपको लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी अगर वैकेंसी निकली, क्योंकि CSIRNET क्या है, एक क्वालिफिकेशन है, ये बात याद रखेंगे। CSIRNET इज नॉट अ जॉब गारंटी, ये एक क्वालिफिकेशन है। मतलब आपके जैसे क्वालिफाइड 1000 लोग अप्लाई करेंगे अगर एक जॉब के लिए, तो किसी एक को मिलेगा, बाकी 1000 CSIRNET क्वालिफाइड लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। तो CSIRNET एक क्वालिफिकेशन है, अगर किसी को CSIRNET क्वालिफाइड है कोई MSc के बाद, तो उसे लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी, और लेक्चरर ही आगे जाके रीडर प्रोफेसर सब बनते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए 2021 से कहा जा रहा है कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपके पास PhD मैंडेटरी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ CSIRNET के बेसिस पे भी जिनको लेक्चरर की जॉब मिल जा रही थी, अब नहीं होगा ऐसा। यानी कि जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग PhD नहीं है, हमें सिर्फ इसी बेसिस पे जॉब मिल गई है बाय चांस। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मुझे अगर जॉब मिलेगी तो मेरे पास अभी PhD नहीं है, अभी कुछ दिन हुए हैं मुझे अपनी पढ़ाई ख़त्म किए हुए, तो मुझे अगर लेक्चरर बनना है तो मुझे CSIRNET की क्वालिफिकेशन पे लेक्चरर मिल जाएगा, मुझे अभी तक का जो रूल है। लेकिन अभी के बाद अगर किसी को लेक्चरर बनना है या प्रोफेसर की प्रपोस्ट पे जाना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकलती है, डायरेक्ट रीडर की भी वैकेंसी निकलती है, तो डायरेक्ट रीडर प्रोफेसर सीनियर लेक्चरर लेक्चरर अगर आपको बनना है, तो अब सिर्फ CSIRNET के बेसिस पे नहीं होगा, आपको PhD भी करना पड़ेगा। तो CSIRNET एक क्वालिफिकेशन है, क्योंकि CSIRNET अगर किसी ने क्वालिफाई कर लिया, मतलब उसको उस सब्जेक्ट का ओवरऑल नॉलेज अच्छे से है, तो ही वो क्वालिफाई कर पा रहा है, और नॉलेज अच्छे से, एप्लीकेशन पार्ट अच्छा है, तो ही वो क्वालिफाई कर पा रहा है। अभी तक भी इसकी वैलिडिटी है, अच्छी है, डोंट वरी। आने वाले समय में PhD ही मैंडेटरी हो जाएगा इन जॉब्स के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि PhD का वैल्यू नहीं रहेगा, सॉरी CSIRNET की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि CSIRNET की वैल्यू अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो आपको रिसर्च में आसानी से घुस जाएंगे। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में आपने अगर PhD के लिए अप्लाई किया, हाँ ये भी याद रखिए, CSIRNET करने से आप PhD के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते डायरेक्टली, ये भी एक क्वालिफिकेशन ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने CSIRNET क्वालिफाई कर लिया तो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे JNU में निकला PhD के लिए, फॉर एग्जाम्पल 32 पोस्ट्स, तो सारे, और इनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, MSc इन जूलॉजी CSIRNET। अगर आपके पास CSIRNET होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे बस, अगर नहीं है तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। फिर उनका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा, फिर वो समझ लीजिए 32 के लिए 1000 लोगों ने अप्लाई किया था, इसमें से 32 लोगों को वो लोग सिलेक्ट करेंगे। तो CSIRNET कर लिया आपने तो आसानी से आपको PhD करने के लिए मिल जाएगा, अभी तो जॉब भी मिल जाती है डायरेक्ट, लेकिन कुछ दिनों में जब ऐसा हो जाएगा तो आपको PhD करने के लिए मिल जाएगा। प्लस वैसे भी PhD करने के लिए मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि PhD के लिए आपको CSIRNET ही चाहिए। हाँ, हाई फाई जगहों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर आपको चाहिए, लेकिन ऐसे अगर छोटी जगहों पर आपको, मतलब छोटा मतलब नहीं बोल सकते, मतलब
बहुत सारी जगहों पे बिना CSI नेट के भी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उनका फिर उनका क्राइटेरिया मतलब उनका एग्जाम, उनका इंटरव्यू आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपको PhD मिल जाएगा, करने को मिलेगा. लेकिन उसके अलावा CSI नेट होने से एक फ़ायदा यहाँ पे होता है फेलोशिप, क्योंकि जब आप PhD आपने MSc ख़त्म कर ली, एक आपकी सर्टेन एज हो जाती है जब आपको पेरेंट्स से और पैसे मांगने का मन नहीं करता, या मन होता है हम थोड़ा सा फैमिली को हेल्प करें. तो MSc आपने अगर कर लिया, तो आपने CSI नेट कर लिया, तो आपको फेलोशिप मिलेगा. अभी फ़िलहाल 35,000 मिल रहा है, आई थिंक 25 से 35 मिलता है. और CSI नेट के लिए, हाँ, ये पाने के लिए आपको JRF करना पड़ेगा. CSI नेट में फिर दो कैटेगरी है ना, कैटेगरी LS एंड JRF. आप अगर JRF क्वालिफाई कर लिए तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी, और आपको कहीं ना कहीं PhD ज़रूर मिल जाएगा. ये तो श्योर है, कहीं ना कहीं आपको PhD मिल जाएगा. उसमें आपको पैसा मिलेगा जिससे आप खुद को भी सस्टेन कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी. ये अच्छी बात है, इसके लिए CSI नेट की इम्पोर्टेंस है. तो PhD करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, सब कुछ के लिए CSI नेट की ज़रूरत है. अभी तो फिलहाल जॉब भी मिल जा रही है CSI नेट के बेसिस पर. ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज के ऊपर वापस से आते हैं. ठीक है, तो ऋषि, तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है? तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ये यूज़ करता है एक कोवालेंट प्रोटीन DNA लिंकेज. मतलब टोपोआइसोमरेज क्या है, एक प्रोटीन है जो कि किसकी तरह से काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है. थैंक यू ऋषि. ये प्रोटीन है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है. ये जो टोपोआइसोमरेज जब कट्स करता है तो वो कैसे करता है, देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए एक टोपोआइसोमरेज है. ठीक है, मैंने आपको बताया अगर ये एक टोपोआइसोमरेज है, इसका यहाँ पे समझ लीजिए एक्टिव साइट है. एक्टिव साइट, ठीक है, फिर से बनाते हैं. ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे DNA आएगा, जिसको भी कट करना है वो रिएक्टेंट यहाँ आएंगे, इस एरिया में आएगा. मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, रुक जाइए. ये समझ लीजिए एक टोपोआइसोमरेज है. अब DNA आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट आया, मतलब DNA आया. ठीक है, अब इसके जो ये जो टोपोआइसोमरेज का एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे, उनका ऐसा अरेंजमेंट होगा जिस वजह से ये रीजन में आसानी से रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. सिंपल सी बात है. तो जो टोपोआइसोमरेज का एक्टिव साइट होता है, वहाँ पे एक अमीनो एसिड होता है जिसको बोला जाता है टायरोसिन. यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर मैंने रखा है टायरोसिन. तो टायरोसिन अमीनो एसिड जो कि एक्टिव साइट में प्रेजेंट है, उसकी वजह से टोपोआइसोमरेज फंक्शन कर सकते हैं. तो समझ लीजिए कि हमको यहाँ पे कट करवाना है, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज आएगा और उसको ऐसे पकड़ लेगा, और अपने पकड़ने की, उसको ऐसे पकड़ने की वजह से उसके एक्टिव साइट में टोपोआइसोमरेज है. अब देखो टोपोआइसोमरेज जो है उसमें उसमें टायरोसिन है. देखिए ये टायरोसिन है, टायरोसिन का ये जो OH है, ये R ग्रुप है टायरोसिन का, ये C अल्फा है, ये कार्बोक्सिल एंड है, और ये अमीनो एंड है ना. तो ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप का जो ये OH है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस OH की वजह से सारा फंक्शन हो रहा है. ये OH क्या करेगा, इट अटैक्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इट अटैक्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अटैक करके तोड़ दिया. मतलब ये समझ लीजिए हमारा शुगर है, इसके ऊपर है CH2OP, ये वाला शुगर, फिर यहाँ पे समझ लीजिए है O, और फिर यहाँ पे समझ लीजिए P डबल बॉन्ड O-O, फिर यहाँ पे हमारा है CH2, फिर ये हमारा DNA है, सॉरी शुगर है. नेक्स्ट ये हमारा एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे OH, ये हमारा 5' है, ये 3' है ना. अब यहाँ पे आया टोपोआइसोमरेज, जिसमें है क्या, टायरोसिन रेसिड्यू है उसका एक्टिव साइट में. अब ये आके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा, कहाँ तोड़ देगा वो देखना है, तो वो यहाँ पे आके तोड़ेगा. रुको, दूसरा पेन लेती हूँ, इसको पहले इरेज कर देते हैं. पेन रेड यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे, जिसकी वजह से अब जो हमको मिलेगा वो ऐसा दिखेगा, CH2OP OH, और
यहाँ पे जो कट कर देगा तो क्या होगा? यहाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड इरेज कर देते, रुक जाइए. रुके, एक डीएनए बनाती हूँ मैं फिर से, सी एच टू ओ एच, ठीक है, ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ सी एच टू ओ एच, ठीक है. अब आया टोपोआइसोमरेज विथ टायरोसिन, टायरोसिन का ओ एच, खाली मैं ओ एच लिखी हूँ, ये वाला पोर्शन लिख रही हूँ, ठीक है. अब ये क्या करेगा, ये आके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, ठीक है. कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा बताइए मुझे, यहाँ पे इस डायग्राम को देख के बताने की कोशिश कीजिए, प्रेडिक्ट कीजिए कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा. देखिए ये वाले डायग्राम को देख के हमें सर्च करना है कि ये कहाँ पे कट करेगा, ठीक है, कहाँ पे कट करेगा, थोड़ा सोचिए. ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ना है, तभी ना ये डीएनए में, समझ लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, ये टोपोआइसोमरेज वन है. अब ये क्या करेगा, एक स्ट्रैंड में कट कर रहा है. अब यहाँ पे वह देख रहे हैं कि हम एक स्ट्रैंड में कट कर रहे हैं, ये टोपोआइसोमरेज वन की ही स्टोरी है, तो एक स्ट्रैंड में कट कर रहा है, फिर इस स्ट्रैंड को इसमें से पास करेगा, इस नीक में से, और इसको सील कर देगा, ठीक है, ठीक कर देगा. तो अब वो कहाँ पे कट कर रहा है वो चेक करना है, प्लस हमें ये भी देखना है कि जो टोपोआइसोमरेज का टायरोसिन है वो स्टेबल कर देगा, जो बचा हुआ स्ट्रैंड है जो कट होगा उसको स्टेबलाइज कर देगा, कैसे करेगा वो देखना है हमको, ठीक है. तो देखिए वो क्या करेगा, यहाँ पे कट करने की कोशिश करेगा, थ्री डैश यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कट करेगा, एक सेकंड में चेक करूँ, थोड़ा मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, एक सेकंड. एक मिनट, हाँ यहाँ पे कट करेगा, ठीक है. अगर इस शुगर को बनाएंगे, ये ओ, ये पी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ सी एच टू ओ एच, तो ये कहाँ कट करेगा, कहाँ कट करेगा, तो यहाँ पे कट करेगा, जिस वजह से हमको ये वाला स्ट्रैंड अलग मिल जाएगा सी एच टू ओ एच, और यहाँ पे मिल जाएगा हमको थ्री प्राइम का ओ एच, और ये जो नीचे अलग हो गया, यहाँ पे कट किया ना, यहाँ पे हमारा टायरोसिन का ओ जुड़ जाएगा. देखिए यहाँ पे जिस तरह से है, ये टायरोसिन का ओ है, ये पी है, यहाँ पे ठीक है. तो ये टायरोसिन का जो ओ है वो आके यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, और इसको अलग कर देगा, और उसके बाद फिर से ये वाला स्ट्रैंड जो अलग हुआ है वो इस पे अटैक करके ये लोग फिर से जुड़ जाएंगे, और ये टोपोआइसोमरेज भाग जाएगा यहाँ से. ये वाला प्रोसेस है टाइप वन टोपोआइसोमरेज, ठीक है. अभी टाइप टू का देखेंगे, फिर टाइप वन का देखेंगे. देखिए टाइप वन क्या करता है, टोपोआइसोमरेज सेकेंड फॉर्म से कोवेलेंट बॉन्ड टू बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स एट द सेम टाइम. यस, टोपोआइसोमरेज वन और टू का मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बता देती हूँ. जैसे टोपोआइसोमरेज वन ने क्या किया, यहाँ पे समझ लीजिए एक स्ट्रैंड था हमारा थ्री प्राइम से फाइव प्राइम, और ये है फाइव प्राइम से थ्री प्राइम, तो ये क्या किया, इसको कट किया, एक ही स्ट्रैंड के साथ लगा. लेकिन यही अगर टोपोआइसोमरेज टू होगा तो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम है और थ्री प्राइम से फाइव प्राइम है, तो वो यहाँ पे भी एक टोपोआइसोमरेज आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी कट होगा, यहाँ पे भी कट होगा. फिर उसको एटीपी क्यों चाहिए, उस कट को थोड़ा और अब बड़ा करके इनको पास करने के लिए, एक स्ट्रैंड को उसमें से पास करने के लिए. तो अगर टोपोआइसोमरेज टू होगा तो यहाँ पे भी एक बाइंड करेगा, यहाँ पे भी बाइंड करेगा, टोपोआइसोमरेज वन होगा तो सिर्फ एक जगह पे बाइंड करेगा, डेट्स ऑल, यही डिफरेंस है.
और वो उसका बैकबोन, डीएनए का जो बैकबोन है उसको तोड़ देगा। अगर उसका बैकबोन तोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सी एच टू ओ एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ सी एच टू, ये हमारा डीएनए अगर है ओ एच थ्री प्राइम, ये है हमारा फाइव प्राइम, यहाँ पे कट किया, हाँ फाइनल यहाँ पे कट करेगा। यहाँ पे कट करने की वजह से ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा टोपोआइसोमेरेज से बाइंड कर जाएगा। देखो यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज से बाइंड किया, ये हमारा टोपोआइसोमेरेज है, ये वाला हो गया हमारा फाइव प्राइम डैश ओ फॉस्फेट, और ये रह गया ये थ्री प्राइम ओ एच, यहाँ रह गया। तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला देखो ना, ये फाइव प्राइम है ना, ये फाइव प्राइम एंड है, ये थ्री प्राइम एंड है, फाइव प्राइम एंड यहाँ रह गया, थ्री प्राइम ओ एच यहाँ रह गया, फिर ये वाला इस पर अटैक किया और ये जुड़ गया, रीजॉइन हो गया, टोपोआइसोमेरेज वन चला गया। यस रेशी, टोपोआइसोमेरेज वन कॉजेज सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, एक ही जगह पे स्ट्रैंड कट करेगा, इस तरह से करेगा देखो। और टोपोआइसोमेरेज टू कॉजेज टू स्ट्रैंड ब्रेक, मतलब दो टोपोआइसोमेरेज की जरूरत है, मतलब दो टायरोसिन की जरूरत है, और वो दोनों को कट करेगा और एटीपी को यूज करेगा, एटीपी को यूज करेगा टू प्रोड्यूस कन्फर्मेशनल चेंजेस इन एंजाइम, अपने में के चेंजेस लाने के लिए एटीपी को यूज करता है, उसको एटीपी रिएक्शन के लिए नहीं चाहिए होता है, ये बात याद रखना। टाइप टू टोपोआइसोमेरेज को रिएक्शन के लिए नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जिस तरह से टाइप वन कर रहा है वैसे ही टाइप टू कर रहा है, फर्क यह है कि टाइप वन एक जगह पे लगा हुआ है और टाइप टू दो जगह पे आके लग रहा है, टाइप वन एक स्ट्रैंड में कट कर रहा है, टाइप टू दोनों स्ट्रैंड में कट कर रहा है, तो फर्क इतना ही है, खाली ये है कि एटीपी क्यों यूज कर रहा है फिर टाइप टू। तो टाइप टू एटीपी यूज कर रहा है रिएक्शन के लिए नहीं, टाइप टू एटीपी यूज कर रहा है कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम, वो अपने एंजाइम में अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जो कट है उसमें से उस स्ट्रैंड को पास करने में हेल्प कर सके, बस इतना ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोपोआइसोमेरेज़ का फंक्शन देख लिया, कैसे करते हैं वो देख लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, although the as noted above type 2 topoisomerases require ATP hydrolysis for activity, the energy released by this hydrolysis is used to promote conformational changes in the DNA complex, topoisomerase DNA complex rather than to cleave or rejoin DNA. मतलब जिस तरह से टाइप 1 काम करता है वैसे टाइप 2 भी करता है, फर्क क्या है फिर, टाइप 2 में ATP को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी क्यों निकाला जाता है, ATP जब हाइड्रोलाइज होता है तो एनर्जी निकलता है, ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP एंड IP में, एनर्जी निकला। तो ये जो हाइड्रोलिसिस हुआ ये कट के लिए या रीजॉइन के लिए नहीं यूज हुआ, ये हाइड्रोलिसिस होने से क्या क्या फायदा हुआ, ये यूज होने से टोपोआइसोमेरेज और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स है उनमें चेंज आया ताकि डीएनए को डबल हेलिक्स डीएनए को ठीक किया जा सके। ये एक डबल हेलिकल डीएनए है, ये समझ लीजिए इस डबल हेलिकल डीएनए अपने ही स्ट्रैंड के साथ में उलझ गया, ये एक डबल हेलिकल डीएनए है, अब ये ऐसा हो गया, ऐसा उलझ गया, ये दोनों को कट करके इसको इसमें से पास किया जाएगा, बस यही है, ये दोनों को कट करके इसमें से इसको पास किया जाएगा, तो इसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं होगी, उस रिएक्शन के लिए एटीपी की जरूरत नहीं होगी, एटीपी की जरूरत होगी क्यों, टोपोआइसोमेरेज डीएनए कॉम्प्लेक्स जो बना है उसमें कुछ चेंजेस लाके उस जो कट है उसमें से डबल स्ट्रैंड को पास करके ठीक करने के लिए यूज होगा, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि डीएनए टोपोआइसोमेरेज टू का एटीपी कहाँ लगता है, क्या यूज है उसका, एटीपी हाइड्रोलिसिस का क्या यूज है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्विस्ट, हमने पढ़ा लिंकिंग नंबर क्या है, लिंकिंग नंबर थीटा क्या है, ट्विस्ट क्या है, रीथ क्या है, रीथ दो तरह से हैं, सुपर कॉयल क्या है, सुपर कॉयल और लिंकिंग नंबर और ट्विस्ट और रीथ में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या है, फिर हमने देखा टोपोआइसोमेरेज क्या है, टाइप वन टाइप टू, टाइप वन टाइप टू कैसे फंक्शन करता है, फिर हमने देखा डीएनए गायरेज क्या है, डीएनए गायरेज किस में होता है, एक स्पेशल होता है प्रोकैरियोट्स में जो कि उल्टा काम है टोपोआइसोमेरेज से, फिर हमने देखा डीएनएज वन, ये भी टोपोआइसोमेरेज की तरह फंक्शन करता है, बस इतना ही हमने आज देखा, हो गया। फिर नॉट क्या होता है, एंटेंगलमेंट क्या होता है, नॉट क्या होता है, एंटेंगलमेंट क्या होता है, और ये दोनों को कैसे टोपोआइसोमेरेज़ ठीक करते हैं, बस इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपका क्लास होगा रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग, मॉक टेस्ट परसों होगा,
आपका कल जो थोड़ा बहुत जो बच गया, ओवरऑल जो बच गया है लेनिंजर वॉटसन से, वो मैं कल क्लियर करा दूंगी। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हो गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास नहीं होगा, मंडे से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये सारी चीज़ें देखा जाएगा। डीएनए टोपो आइसोमरेज सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए गायरेज, ऐसा लिखा है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन प्रोकैरियोट्स का ऐसा बोला जाता है, एक स्पेशल टाइप है डीएनए गायरेज, फिर एक स्पेशल टाइप कहा जाता है, कई जगहों पर मैंने भी ऐसा देखा है, लेकिन डीएनए गायरेज एक स्पेशल है जो कि टोपो आइसोमरेज से अलग काम करता है। तो उसको कैसे कह सकते हैं, है ना? तो वो डीएनए गायरेज जो है वो क्या करता है, वो सुपर कॉइल्स को और इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो चेक करता है कि टाइप, देखिए देखिए कि प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो सुपर हेलिक्स में रहे, नेगेटिव सुपर। इन एडिशन हाउएवर प्रोकैरियोट्स हैव ए स्पेशल टाइप, बस ये बोल सकते हो स्पेशल टाइप है टाइप टू का। तो उसका ऐसा नहीं बोल सकते, टाइप टू का को हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं, कई जगह पर ऐसा लिखा होता है, नो डाउट मैंने भी देखा, लेकिन सिंपल तुम ये बोलो कि टाइप टू का स्पेशल टाइप है डीएनए गायरेज, दैट रिमूव्स नॉट, इट डज नॉट रिमूव, इट इंट्रोड्यूस, इट इंट्रोड्यूस, इट इज अपोजिट टू टोपोआइसोमरेज, इट इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल्स, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए टोपोआइसोमरेज, ठीक है? तो इस तरह से ये वाली चीज़ें हो गई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ सकता है, अभी के लिए इतना ही। कल फिर तीन क्लासेज है मेरी, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, कल आप लोग आ जाइएगा। 7 बजे पढ़ने के लिए मेन है रिविजन एंड डाउट क्लियरिंग क्लास, 3 बजे, 5 बजे जो नॉर्मल हमारा कुछ स्पेशल सेटिंग्स होंगे, स्पेशल डिस्कशन होगा 30 मिनट का। तो बस इतना ही आज के लिए, आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है। जिन्हें नहीं समझ में आया है वो कल की क्लास के लिए रिविजन के लिए रख सकते हैं, डाउट क्लियरिंग के लिए रख सकते हैं। मैम फंक्शन ऑफ SSB, बेटा SSB का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, कहाँ गया हमारा मेरा पेन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसका इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे रिप्लिकेशन में, लेकिन अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि हमारा समझ लो ये एक डीएनए है, ठीक है, इसको खोला जा रहा है हेलिकेज की वजह से, खोला जा रहा है हेलिकेज खोल रहा है, मतलब हेलिकेज इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज LK, लिंकिंग नंबर चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो टोपोआइसोमरेज आ रहा है, ये सब तो आपको पता चल गया। लेकिन ये जो खुल गया है डीएनए, ये कैसे, क्या गारंटी है कि ये वापस से कॉइल ना हो जाए? ये तो अनकॉइल किया है ना हमने, क्या गारंटी है कि फिर से ना कॉइल हो जाए? क्योंकि अभी भी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। हेलिकेज का काम क्या है? हेलिकेज रिमूव्स हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, हाइड्रोजन इस बेस के बीच में। मैम RNA में लिंकिंग नंबर होता है कि नहीं? ओके रुको, तो हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है दोनों DNA स्ट्रैंड का। तो हेलिकेज जो तोड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो फिर से भी बन सकता है, उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे रोका जाएगा DNA को हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से दोबारा? तब क्या होता है, DNA स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, दे कोट, इट इज़ ए टेट्रामर, ठीक है, इसके ये छोटे छोटे 4 सबयूनिट मिलके एक SSB बनाते हैं, और ये क्या करता है, ये DNA को कोट करता जाता है, DNA को कोट करता जाता है ताकि वापस से DNA कॉइल ना हो जाए। तो SSB helps to keep DNA in uncoiled state so that replication can take place, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा बेटा, RNA में लिंकिंग नंबर क्यों होगा? लिंकिंग नंबर कब आता है? जब ट्विस्ट होता है या रीथ होता है। RNA तो सिंगल स्ट्रैंड है, उसको तो हमें खोलना ही नहीं है। हाँ, डबल स्ट्रैंडेड RNA में होगा, लेकिन RNA सिंगल स्ट्रैंड अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA क्या है, उसको तो खुला, वो तो सिंपल ही है, एक ही स्ट्रैंड है, तो उससे हमको रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, पहली बात तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से, हमको RNA से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो उसको जो सिंगल स्ट्रैंड है तो उसको तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ट्विस्ट तो है ही नहीं उसमें, पहली बात तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है, जो कि कॉइल्ड नहीं है, उसमें ट्विस्ट है ही नहीं, रीथ है ही नहीं, तो सुपर हेलिक्स कहाँ से आएगा, तो लिंकिंग नंबर नहीं आएगा। हाँ, डबल स्ट्रैंडेड RNA है तो हो सकता है, ठीक है, ठीक है, हो गया ऋषि, ठीक है, आगे बढ़े। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का यही फंक्शन है, रेप्लिकेशन में देखेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन
जो प्रोकैरियोट में उसका अलग नाम है, यूकैरियोट में अलग नाम है, यही सारी चीज़ें हमको पढ़ना है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, जो कि हम परसों मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज का जो क्लास एंड होगा तो एक स्पेशल बात खाली बोलना चाहूँगी, जो मैंने बोला था हर क्लास के एंड में हम बोलेंगे, जब भी हम किसी दूध का पैकेट या कोई भी पैकेज्ड सामान जब खोलते हैं, दूध का पैकेट हो या लेस हो, कुरकुरे हो, चिप्स हो, जो भी पैकेज सामान खोलते हैं, उसको जब खोलते हैं ना तो कट करके उसका छोटा सा पीस आप फेंकना मत। उसको ऐसे कट करना कि वो एक ही पीस रह जाए, उसमें से छोटा सा पीस अलग ना हो जाए, क्योंकि वो जो छोटा सा पीस है वो उसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। एक पैकेट ऑफ लेज आपने जो खोला और वो पूरा खोल के फेंक दिया, फिर उसमें से खा रहे हैं, फिर उसको भी फेंका, एक पैकेट से दो पोल्यूशन हुआ, प्लास्टिक पोल्यूशन। लेकिन आपने उसको ऐसे खोला कि वो जो पैकेट का जो कट पार्ट है वो उसके साथ चिपका रह गया उसके साथ लगा हुआ, फिर आपने उसमें से खाया, उसको फेंका, वो फिर भी ईजी होता है डिग्रेडेशन के लिए, या उसको ढूंढना ईजी होता है। जब हम क्लीन करते हैं, जो लोग हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, जो लोग पिक करते हैं प्लास्टिक्स, और वो छोटे प्लास्टिक को उनको ढूंढने के लिए बहुत मुसीबत भी होती है, और वो रह जाता है सॉइल में और फिर वो डिग्रेड नहीं होता है, आपको पता है। तो अपने घर में जब भी ओमफेड का पैकेट या दूध का पैकेट जब खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे कि छोटा सा हिस्सा उसी में लगा रहे, उसको अलग ना करें, कोशिश यही करेंगे। ऐसा करने से अच्छा क्या बेटा उसमें होगा क्या मैम? टीआरएनए, यस टीआरएनए में होगा। टीआरएनए में क्या है? तो टीआरएनए हमारा स्पेशलाइज्ड आरएनए है, जो कि इस तरह से होता है। देखिए मैं खाली पेज लाती हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से होता है। इस तरह से टीआरएनए होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो टीआरएनए को अगर खोलना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी ना, लिंकिंग नंबर होगा उसका, अगर हम देखा जाएगा तो ट्विस्ट होगा, रीथ तो नहीं होगा, क्योंकि रीथ कब आता है? जब हम उसे अनवाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो टीआरएनए तो मुझे नहीं लगता हम अनवाइंड करने की कोशिश करते हैं टीआरएनए को, जिसको अनवाइंड करने की कोशिश की जाती है उसी में ही लिंकिंग नंबर चेंज करता है। तो जिसे अनवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिंकिंग नंबर के पीछे, मतलब लिंकिंग नंबर का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा उसका। टीआरएनए को तो हम अनवाइंड करके उसके साथ रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं ना, डीएनए के साथ ऐसा होता है। तो जिसे भी अनवाइंड करने की ज़रूरत है उसी के ट्विस्ट या रीथ को देखा जाता है। तो यहाँ पे तो पहली बात तो ये हेलिक्स नहीं है, नहीं होगा टीआरएनए में भी नहीं होगा, क्योंकि वो हेलिक्स नहीं है। जो हेलिक्स है, जो अनवाइंड करने की ज़रूरत है, उसका लिंकिंग नंबर होगा, या उसका लिंकिंग नंबर चेंज होगा, या आगे पीछे के सारा बात होगा। बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, क्लोवर लीफ मॉडल, यस निलंजना, क्लोवर लीफ मॉडल उसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोवर लीफ जो होता है वो कैसा होता है, इस तरह से दिखता है। क्लोवर लीफ में तीन लीफ होते हैं, यहाँ पे भी देखिए तीन जगह पे, ये इसको लूप कहा जाता है, ये लूप है। तो टीआरएनए में तीन जगह पे लूप है, इसीलिए टीआरएनए के स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ कहा जाता है। ओके राकेश, थैंक यू फॉर आस्किंग निलंजना। ओके भानु प्रताप, गुड इवनिंग। यस यस रेशी, 5 जून को है एनवायरमेंटल डे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, जो बच गया वो कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप कमिंग टू माई क्लास। थैंक यू।